आई थिंक अभी हम लाइव हैं एंड आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरटीपी एमटीपी के सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब जो यूनिक क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। जो शायद अगर आप एक बार भी ना करो तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। पहले एमटीपी के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एंड उसके बाद हम आरटीपी के भी डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट हम डिस्कस कर लेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए। चलो एक बार मुझे बता दीजिए साउंड वगैरह परफेक्ट है या नहीं, मुझे बता दीजिए एक बार। साउंड वगैरह सब कुछ परफेक्ट है ना? चलो तो हम फटाफट से डिस्कस करते हैं एमटीपी के। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमटीपी के सारे क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब अलग क्वेश्चन है जो आपके स्टडी मटेरियल में पहले से नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम आरटीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और एक इंडस 12 का जो बच्चे कहते थे कि इलस्ट्रेशन 1 एबीसी है ना, वो उसका एक ऐसा क्वेश्चन आपके आरटीपी में भी है, तो वैसे ही हम एक कंसेप्ट पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे जिससे इंडस 12 वाला क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए फटाफट पहले मैं एमटीपी में आता हूँ, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। आपको एक बात बता देता हूँ, जो एमसीक्यू है आरटीपी एमटीपी के जितने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, वो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। केस सिनेरियो के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ पर आरटीपी एमटीपी के केस सिनेरियो के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में केस सिनेरियो के सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड है, उसका लिंक भी टेलीग्राम में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ जो मैराथन्स वगैरह है हमारे ऑलरेडी पहले के लिए हुए और रिसेंटली जो लिए हुए, वो सारे का लिंक भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर करा हुआ नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। आप देखिए डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में आपने कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके बुक में आपने कर रखा है, ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, कर रखा आपने ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 का ए और बी हम करेंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको करना चाहिए। 4 का ए ऑलरेडी आपके बुक में आपने कर रखा है, 4 का बी भी आपने कर रखा हुआ है। 5 का ए जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलो तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना एकदम अच्छी तरीके से। बी लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च का कौन सा बनता है? 1 जुलाई 2001 को, डेट याद रखना है यहाँ पर, आपने 75% एक्विजिशन किया है इक्विटी शेयर्स का और आपने कंट्रोल हासिल कर लिया। और किसका? के लिमिटेड का आपने कंट्रोल हासिल किया 75% शेयर्स के साथ, और के लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने? 60 लाख। तो आप मुझे बताइए आपने कितने शेयर्स एक्वायर किए होंगे? 60 लाख का 75% यानी 45 लाख शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं, और बाकी 15 लाख जो शेयर्स है ना वो किसके पास है? 15 लाख शेयर्स जो है वो एनसीआई वालों के पास है। यहाँ पर अब देखते हैं, अब जो 45 लाख शेयर्स हमने एक्वायर किए, हमने 1 जुलाई को एक्वायर किया था, उनको हमने 2 शेयर दिए उनके 3 शेयर्स के बदले। ऐसे परचेज कंसीडरेशन उनके 3 शेयर्स के बदले हमने उनको कितने दिए? 2 शेयर्स दिए हमने, है ना, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड इन के लिमिटेड। तो आप बताओ 45 लाख का 2/3 अगर आप करोगे तो मतलब 30 लाख शेयर्स हमने अपने इशू किए, यानी उनके 45 लाख शेयर्स खरीदे और बदले में अपने 30 लाख शेयर्स इशू किए, और हमारे एक शेयर का दाम कितना है? 6.5 है। तो 30 लाख शेयर्स इंटू 6.5 यानी 195 लाख का हमने पीसी दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ये हमने समझ में आ गया। और इसके अलावा के लिमिटेड सब्सिडरी की भी फेयर वैल्यू दी हुई है, तो वो आपके लिए काम आएगा एनसीआई का वैल्यूएशन करने के लिए, अगर आप एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर करते हो। हालांकि मैं पता हूं एनसीआई को 2 तरीके से वैल्यू करते हैं, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि बोथ द मेथड्स के साथ आपको बताना है। तो एनसीआई हमारा, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, एनसीआई हमारा 2 अलग अलग आएगा। एक एनसीआई तो हमारा ये आएगा फेयर वैल्यू के हिसाब से, हमारा एनसीआई कितना आएगा? उनके 15 लाख शेयर्स है और 6 रुपीज के लिमिटेड का एक शेयर का फेयर वैल्यू है, यानी 90 लाख का एनसीआई आएगा। और एक आइडेंटिफाइबल नेट एसेट से हम एनसीआई निकालेंगे, 2 अलग अलग एनसीआई, ये फेयर वैल्यू वाला एनसीआई हो गया। इसके अलावा पीसी में क्या दिया जा रहा है, 30 जून को बी लिमिटेड कैश पेमेंट करेगा, 35,75,000 का कैश पेमेंट करेगा अपने फॉर्मर शेयर होल्डर को, यानी जो के लिमिटेड सब्सिडरी के शेयर होल्डर है उनको इतना पैसा देगा। ऑन 1 जुलाई बी लिमिटेड वुड हैव टू पे एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यानी आपका डिस्काउंट रेट दिया हुआ 10%। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 30 जून को आपने बोला है कि आप कैश पेमेंट दोगे, कब? 30 जून 2002 को, और आप खरीद कब रहे हो? 1 जुलाई 2001 को खरीद रहे हो, यानी आज पैसे नहीं दोगे, 1 साल के बाद पैसे दोगे।
आज के हम पीसी में पूरा का पूरा 35 लाख 75,000 लेंगे, नहीं हम 35 लाख 75,000 का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे 1.10 से डिस्काउंट करके, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी आएगी कितनी आप देख लीजिए, 35 लाख 75,000 डिवाइडेड 1.10 यानी 32 लाख 50,000 रुपीज का आपका पीसी में आएगा, जो कि आपका कंसीडरेशन है, डेफर्ड कंसीडरेशन है, फ्यूचर में आप इतना दोगे, ये भी हमने समझ लिया। तो अभी तक मुझे पीसी क्या दिखाई दिया, एक तो ये पीसी है सेट्स और एक डेफर्ड कंसीडरेशन, ये हमारा पीसी है। फिर 30 जून को बी लिमिटेड ने बोला कि कैश पेमेंट करेगा 1 करोड़ 50 लाख का अपने फॉर्मर शेयर होल्डर को, जो कि के लिमिटेड में के लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है फॉर्मर शेयर होल्डर उनको देने का वादा किया 30 जून 2003 को, आज नहीं बोला, 2 साल के बाद देगा बोला है, प्रोवाइडेड अगर रेवेन्यू जो है वो 15% से ग्रो करेगा 2 सालों में। तो डेट मीन्स व्हाट, यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर कंटिजेंट कंसिडरेशन है, कंटिजेंसी है, अगर मान लीजिए वो 2 साल तक रेवेन्यू अच्छा हुआ तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इसकी फेयर वैल्यू क्या, हमें फेयर वैल्यू में मेजर करना होता है, इसकी फेयर वैल्यू आप देख सकते हो 1 करोड़ 25 लाख है। तो जो कंटिजेंट कंसिडरेशन उसका फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख, ये 1 करोड़ 25 लाख में मेजर करेंगे, पीसी के अंदर इतना डालेंगे तो एक आ जाएगा आपका 1 करोड़ 25 लाख आपका पीसी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये सारे पीसी के हिस्से हो रहे। तो अभी तक हमारा पीसी का ये 3 चीजें 195 लाख, 32 लाख 50,000 और 1 करोड़ 25 लाख, तो तीनों मिला के कितना हो रहा है 195 लाख, एक हो रहा है 32.5 लाख और एक होता है 125 लाख हो रहा है। तो आप 195 2323 52.5 लाख का पीसी दे रहे हो, ये मुझे पता चला 352.5 का हम क्या दे रहे हैं पीसी दे रहे हैं, यहाँ पर हमें पता चला। फिर आगे देखिए 1 जुलाई को कैरिंग अमाउंट है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का 3 करोड़ और फेयर वैल्यू है 3 करोड़ 50 लाख, हमें फेयर वैल्यू से मतलब होता है, लेकिन डेफर टैक्स अप्लाई करने के लिए बोला 20% आपका टैक्स रेट आपको लगाना है। तो हालांकि फेयर वैल्यू हमारे लिए कैरिंग अमाउंट होगा, ये हमारे लिए कैरिंग अमाउंट होगा और ये जो कैरिंग अमाउंट है ना वो टैक्स बेस है ना, ये हमने पढ़ा एकदम अच्छे से, जो फेयर वैल्यू उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे एक्वायरर, ये हमारे लिए कैरिंग अमाउंट है और जो उनका कैरिंग अमाउंट है वही असल में हम टैक्स बेस मानेंगे। तो कैरिंग अमाउंट यहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख है, 350 लाख है और टैक्स बेस कितना है 300 लाख है। तो आपका DTL बनेगा, कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस DTL बनेगा एसेट का 50 लाख का 20%, यानी 10 लाख का DTL बनेगा। तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितना पता चलेगा, 350 लाख का नेट एसेट से माइनस 10 लाख का DTL, तो 340 लाख का मानेंगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट से। तो हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 340 लाख का। अब रुक जाइए, अब आगे नेक्स्ट ईयर की बात करें, ईयर एंड की। अब हमें क्या पता चला, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट हमारा 340 लाख है, हमें दोनों मेथड में करना है। अगर आप NCI को प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड में करोगे या फिर NCI को फेयर वैल्यू में करोगे, दोनों में अलग अलग है। तो अगर आप देखोगे हम नेट एसेट्स में अगर मेजर करें, INA हमारा 340 लाख है और 25% आपका नेट एसेट्स का 25% NCI को जाएगा, यानी NCI को जाएगा 85 लाख। तो 340 लाख का INA है जिसमें से 85 लाख तो हम NCI को एलोकेट कर देंगे, हमारे हक में कितना आएगा 255 लाख आएगा। इसी 255 लाख के लिए हम पैसा कितने दे रहे हैं, पीसी दे रहे हम 352.5 का। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, गुडविल होगा। तो हमारा गुडविल यहाँ पर आ गया। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे NCI को अगर आप फेयर वैल्यू में मेजर करोगे, NCI ऑलरेडी हमने निकाल रखा हुआ 90 लाख, तो NCI को अगर हम फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आएगा जो शेयर ऑफ नेट एसेट्स आएगा वो 250 लाख का आएगा और हम पीसी तो उतना ही दे रहे हैं 352.5, तो गुडविल आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि ड्यूरिंग द 9 मंथ्स पीरियड आपका परफॉर्मेंस खराब हो और 10% गुडविल को इम्पायर करना है। तो 10% गुडविल को इम्पायर करना मतलब जो गुडविल है उसका 10% इम्पायर कर दीजिए, 9.75 लाख आएगा और इसका 10% आएगा 10.25 लाख। मुझे जहां तक याद है ये भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, बट फिर भी ये क्वेश्चन हमने अच्छा किया कर लिया, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम अच्छे से हो चुका है, हमने गुडविल इंपायरमेंट निकालने को बोला, मैंने फटाफट से आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एक नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम फटाफट से कर लेते हैं। देखो, an entity has a contract to purchase 1 million units of gas at 23 paisa per unit। आपका contract ही आपको खरीदना ही पड़ेगा, 1 million unit आपको खरीदना पड़ेगा, यानी 10 लाख यूनिट आपको खरीदना पड़ेगा 0.23 में, 23 paisa यानी 0.23, मतलब आपको 2,30,000 रुपीज देके खरीदना ही पड़ेगा आपका contract। The current market price, हालांकि इसका current market price कितना पता, 160 लाख है। तो देखने से पता चलता है ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि आपको 2,30,000 में खरीदना पड़ेगा, बट इसका मार्केट प्राइस तो 1,60,000 है, देखने में लग रहा है ऑनरस है, पर रुक जाइए।
ऑल ऑफ द गैस परचेज बाय द एंटिटी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग डेडिकेटेड एसेट्स, यानी एसेट्स का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, इस गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। हम जो गैस हमारा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना के बेचेंगे। अब देखिए, डिटरमाइन इन द फॉलोइंग सिचुएशन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑनरस एंड प्रोविजन इज टू मेड। वन, हमें कब बनाना है। पहले वाले में बोला इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट में सोल्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमर। तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी, आप इस गैस से इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे और इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका प्रॉफिट में सेल होगा तो प्रोविजन की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि घाटे का सौदा, जो फ्यूचर में पता है ये घाटा हो, बट यहाँ पर तो घाटा होगा नहीं। इससे हम बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट और फिर हम बेचेंगे, फायदे में होगा। ऐसे भी इंडेक्स टू इन्वेंट्री में आपने पढ़ा है कि रॉ मटेरियल को हम इंपेयर नहीं करते अगर उसका फिनिश गुड्स प्रॉफिट में सेल होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, इसे हम नॉट एन ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और प्रोविजन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। दूसरे वाले में द इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड एट अ लॉस एंड द एंटिटी मेक्स एन ओवरऑल ऑपरेटिंग लॉस, द इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू ए वाइड रेंज ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस में सेल हो गई है, तो यहाँ पर हम इसे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आईसी ने जो आंसर दिया वो भी सही है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि जबकि आपका आप एसेट का इस्तेमाल करके आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका एसेट जो है वो इंपेयर होना है। अगर आप एसेट को इंपेयर कर दोगे तो आगे जाके अपने आप ही डेप्रिसिएशन कम होगा। तो आप पहले ही काम कीजिए, आपका जैसे वैल्यू इन यूज निकालते, याद है एसेट का इंपेयरमेंट कैसे होता है, वैल्यू इन यूज निकालते, जहां पर फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया जाता है। तो आप एक काम करो, रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन कर लो, रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन कर लो। आप बोलोगे सर इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट कैसे पता चला आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, ऑपरेटिंग लॉसेस है, मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन इंपेयरमेंट का कि एसेट्स आपके इंपेयर है। तो आप एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट निकालिए, अगर वो इंपेयर हो रहा तो उसे पहले इंपेयर कीजिए, उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लॉसेस नजर आ रहे हैं तो उतने का प्रोविजन बनाइए ऐसे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या लिखोगे पॉइंट नंबर टू में, सबसे पहले आप ये लिख के आना कि पहले एसेट जो डेडिकेटेड एसेट है जिसे फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे कहीं वो इंपेयर तो नहीं हुआ, अगर वो इंपेयर हुआ तो उसे इंपेयर करो, उसके बावजूद भी कुछ लॉसेस दिख रहे हैं तो आप उतने का ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट समझते हुए प्रोविजन बनाओगे। तीसरे वाले में द एंटिटी सेल्स द गैस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट विच इट नो लॉन्गर नीड्स टू ए थर्ड पार्टी फॉर 18 पैसा पर यूनिट। तो आप कितने में बेच सकते हो, 18 पैसा पर यूनिट में बेच सकते हो, और आप खरीदोगे कितने में, 23 पैसा में आप खरीदोगे, यानी 0.05 यानी 5 पैसे का नुकसान है। 23 पैसा में खरीदोगे, 18 पैसा में बेचोगे, यानी 5 पैसा 0.05 का नुकसान है, और 10 मिलियन यानी 50,000 का नुकसान है अगर आप बेचते हो तो। वही अगर आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके एग्जिट करने जाओगे तो 55,000 का नुकसान है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, हम बेचेंगे 18 पैसा में ताकि हमारा 50,000 का ही नुकसान हो, 55,000 का नुकसान हो, तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना होगा यहाँ पर, 50,000 होगा, और इतने का ही हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोअर बनाते हो, यानी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करूँ तो मेरा 50,000 का खर्चा, अगर कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल करूँ तो मेरा 55,000 का खर्चा, बेहतर मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करूँ तो मेरा 50,000 का खर्चा होगा और इतने का ही मैं क्या करूंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। तो 50,000 का हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, डेट्स ऑल। ऐसे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हम इसका प्रोविजन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, ऑलरेडी आपके बुक में आपने कर रखा हुआ, ये भी इंडेक्स 33 में कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता दूं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो डाला हुआ था इंडेक्स 115 आरटीपी एमटीपी, ठीक है, वहां पर मैंने सारे आरटीपी एमटीपी पास्ट के क्वेश्चन कराए थे, आई थिंक 1.5-2 घंटे में बहुत सारे कराए थे, वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप बोलोगे तो 1 मिनट का मुझे समय दो, मैं आपको साथों साथ अभी शेयर कर ही देता हूं, मैं आपको अभी क्लास के चलते चलते मैंने टेलीग्राम में क्या क्या शेयर कर दिया लिंक जो, तो आप वो वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, उसमें 115 के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपी के सारे डिस्कशन करा है, मैंने टेलीग्राम में लिंक भी शेयर कर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन भी उसमें मैंने कराया, आपका अच्छे से हो जाएगा। तो वो सिंगल वीडियो में सारे 115 के आरटीपी एमटीपी डिस्कशन हो जाएंगे आपके, तो आप सेफ साइड में रहोगे क्योंकि 115 का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता ही है। ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपका कराया हुआ है, इसकी भी जरूरत नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी आपका नीड नहीं है, ऑलरेडी बुक में है, ये वाला इंडेक्स 38 का क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, पर छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस कर सकते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, चलिए देखिए, द एजीएम ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 वाज हेल्ड ऑन 10th July 2002 एंड बोर्ड मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड ऑन 15th May 2002। आपका बोर्ड मीटिंग कब होता है, 15th May 2002 को होता है। मीनवाइल द कंपनी हैड टू डिस्क्लोज सर्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन pertaining to the year ended 31st March 2002 to SEBI as per SEBI regulation, आपको 20 अप्रैल को इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है SEBI को। Since certain financial information
is submitted to SEBI before approval of financial statement by the board, management is suggesting कि 20th अप्रैल को आप after the reporting period मांगे, नहीं जिस दिन approval होता उसी ना मानते, तो ये management 20th अप्रैल बोल रही है, ये गलत है। 15th मई को ही आपका बोर्ड मीटिंग होता है, अगर 15th मई को ही अप्रूवल होगा, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होगा, जिस दिन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होता है उस डेट तक ही आपका इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड रहता है। यानी यहाँ पर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होगा, 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल से लेके 15th मई तक ही होगा, 20th अप्रैल ही 15th मई तक होगा आपका इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो हमने इंडेस 10 में पढ़ा था कि बैलेंस शीट डेट के बाद से लेके जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल ना हो जाए। फिर एक और ये छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। एंटिटी एबीसी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड प्रेजेंटेड द सेम एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2001-2। आपने क्या किया, एडमिन पर्पस के लिए आपने यूज किया। तो अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे, आप पीपी दिखाओगे, बात खत्म। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2002-03 इट रीलोकेटेड द ऑफिस टू ए न्यू बिल्डिंग एंड लीज द सेड बिल्डिंग टू ए थर्ड पार्टी। अब आपने क्या क्या बताया, थर्ड पार्टी को लीज पे दे दिया, मतलब आपका यूज करने का पर्पस चेंज हो गया, आपका बिजनेस पर्पस अब चेंज हो चुका है। पहले आप यूज कर रहे थे अपने ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेकिन अब आप इसे यूज करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह, क्योंकि आप इसे लीज पे दे रहे हो। तो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंडेक्स 16 लगता है, अब आप इसे लीज पे दे रहे हो तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, इस पर इंडेक्स 40 लगेगा। अब आगे क्या बोला, फॉलोइंग द चेंज इन द यूसेज ऑफ द बिल्डिंग एंटिटी एबीसी ने रिक्लासीफाई कर दिया पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। बहुत सही किया। Should entity ABC account for the change as a change in accounting policy? नहीं, ये change in accounting policy नहीं है। Change in accounting policy आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका business करने का तरीका बदला है, use करने का purpose change हो गया आपका, तो इस वजह से ये change हुआ है, और इसीलिए हम इसे change in accounting policy जो है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, change in accounting policy कब होता है, जब change आपका required by index होता है, या ज्यादा better financial statement का presentation हो, ज्यादा accurate हो, तब हम उसको change करते हैं, अदरवाइज हम चेंज भी नहीं कर सकते, और ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे भी नहीं है। तो यहाँ पर इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन इसके करा दिए, एमटीपी के और कोई क्वेश्चन आपके नहीं है काम के, तब बाकी सारे आपके बुक के क्वेश्चन है, और एमसीक्यू मैंने पहले से करवा दिया आपको। अब मैं आपको करवाऊंगा सीरीज वन, एमटीपी सीरीज वन के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अभी। मैं एमटीपी सीरीज वन में भी 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बाकी सारे बुक के ही है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा एकदम अच्छे से, टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए तो हम वन बाय वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन भी मैं आपको कराऊंगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर ये रुक के कराऊंगा, इसके पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करा दूं, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा रुक के 2-3 क्वेश्चन के बाद ही करा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं, जो कि इंडेक्स 23 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहां पर एलटी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अबाउट 18 मंथ्स। कंस्ट्रक्शन का टाइम कितना लगेगा, 18 महीना लगेगा। 1 जनवरी 2001 से 30 जून 2002 तक आप कंस्ट्रक्शन करोगे। द बिल्डिंग मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट। आप खर्चा कब कब करोगे बता दिया, 1 जनवरी 30 जून, यानी 1 जनवरी 2001 से 30 जून 2002 तक टोटल 18 मंथ्स में टोटल आप 50 करोड़ का खर्चा करोगे, यानी 50 करोड़ रुपीस का आप खर्चा करोगे। आपने 1 जुलाई 2001 को 10% रिडीमेबल डिबेंचर इशू करके 50 करोड़ बोरो किया। द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिबेंचर फॉर्म पार्ट्स ऑफ कंपनी जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है हमारा, जनरल बोरिंग है, विच इट यूजेस टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। एलटी लिमिटेड का इसके अलावा कोई भी बोरिंग नहीं है, और 1 जुलाई से पहले इसका कोई बोरिंग नहीं था, तो एक ही बोरिंग इसका अभी है जो कि 1 जुलाई का ही है। अगर और बोरिंग होता तो उससे हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते, पर यहाँ पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। एलटी लिमिटेड ने इनकर किया 25 करोड़ ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिफोर ऑप्टेनिंग जनरल बोरिंग हो, तो यहाँ से भी दिख रहा है 1 जुलाई से पहले देखो 25 करोड़ आपने खर्चा किया है, एंड 25 करोड़ बाद में किया। फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2001, 2002 एंड 2003 आपको बोरिंग कॉस्ट निकालने को बोला। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, 31 मार्च 2001 की अगर बात करें, 31 मार्च 2001 तक आपने 5 करोड़ खर्चा किया, ध्यान से सुनो, 31 मार्च 2001 तक आपने 5 करोड़ रुपीस खर्चा किया है, लेकिन 31 मार्च 2001 तक तो आपका कोई बोरिंग ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला था, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब होता है, जब हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, बोरिंग कॉस्ट भी हमारा इनकर होता है, और आपका काम चालू है, एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। काम तो यहाँ पर चालू हो चुका 1 जनवरी से, एक्सपेंडिचर भी आपने इनकर कर दिया, पर बोरिंग आपने इनकर नहीं किया 1 जनवरी को, आपने 1 जुलाई को बोरिंग इनकर किया। तो 1 जुलाई 2001 ऑनवर्ड से ही आपका कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा, डेट मीन्स 31 मार्च 2001 को आपका नील रहेगा, क्योंकि तब तक आपने बोरिंग ही नहीं किया। हाँ, अब 2001-2 में आपका 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स का आप कैपिटलाइज कर सकते हो 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को आपने बोरिंग किया, तब से आप कर सकते हो। तो आप देखो कि कितना आपने खर्चा किया, तो आप देखिए, आपने 1 जनवरी में खर्चा किया 5 करोड़,
30 जून में खर्चा किया 20 करोड़, तो 25 करोड़ आपने टिल डेट खर्चा कर दिया यहाँ पर, और ये तो आपने एकदम लास्ट डे में खर्चा किया है, तो इसका तो करेंट पीरियड में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपने टोटल 25 करोड़ ही खर्चा किया है, ये 31 मार्च 2002 यानी ईयर एंड का एकदम लास्ट डे में किया, तो ये वाला नहीं आएगा। तो आपका ड्यूरिंग द ईयर 25 करोड़ का खर्चा है, लेकिन उस पर कैपिटलाइजेशन कब से मिलेगा, 1 जुलाई से मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई से आपका बोरिंग इनकर हुआ है, तो आपका 9 मंथ्स का यहाँ पर कैपिटलाइजेशन होगा, तो कितना 25 करोड़ आप कैपिटलाइज करोगे, 10% रेट दिया हुआ यहाँ पर, 9 मंथ्स का आप कैपिटलाइज करोगे, 1.875 आप कैपिटलाइज करोगे, 1.875 करोड़ कैपिटलाइज होगा, बस बात खत्म। अब 31 मार्च 2002 की हम बात करते हैं, 31 मार्च 2002 का तो बात कर ही लिया, अब 31 मार्च 2003 की हम बात करते हैं, तो 31 मार्च 2003 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2002 में अप्रैल से मार्च, पर रुको जून में ही आपका कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 30 जून को ये रेडी हो गया ऑलरेडी, आपका क्वेश्चन है बोले 30 जून को ये कंप्लीट हो चुका है, यानी 2023 में सिर्फ 3 महीने का कैपिटलाइज होगा, अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने का कैपिटलाइज होगा, और उसमें आपका कितना अमाउंट होगा, 25 करोड़ का तो होगा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा हमारा, हमें बोरिंग क्या हुआ है, और अभी आपने 31 मार्च 2002 को भी आपने ले लिया, तो ये भी आपका पूरा 3 महीने का आएगा, अप्रैल मई जून, यानी ये तीनों आपके खर्चे अप्रैल मई जून से पहले हो चुके, अप्रैल से 1 अप्रैल से पहले हो चुके हैं, ये तो 30 जून लास्ट डे का, तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा, इसका 0 डेज होगा, तो आपका टोटल 45 करोड़ पे कैपिटलाइजेशन होगा 2023 में, 45 करोड़ पे 10% 3 महीने का ही होगा, क्योंकि सिर्फ अप्रैल मई जून का ही आप कैपिटलाइज करोगे, तो आपका अप्रैल से पहले यानी उससे पहले जितना भी आपका खर्चा किया हुआ सब में बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, तो 3 महीने का हम कैपिटलाइज करेंगे, 1.125 करोड़ हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बी जो है ना बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे नीचे अच्छे से सॉल्व करवाया, ये क्वेश्चन को आप स्टार देना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आईसीए ने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर से करके जाएगा, कोई भी मत छोड़ना। प्रत्युष जी बोल रहे 25 करोड़ कैसे आया, देखो आपने 25 करोड़ इससे पहले तक है ना, आपने 25 करोड़ खर्च कर रखा था, 1 जुलाई से कैपिटलाइजेशन, उससे पहले तक खर्च कर रखा था, तो जितना खर्च कर रखा उतना आप कैपिटलाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड बोरिंग भी उतना किया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, ये बहुत अच्छे से कराना है मुझे आपको। एन इंडियन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज रुपी, मैं एंटिटी हूं, मेरा फंक्शनल करेंसी रुपया है, मैंने परचेज किया यूएसडी डोमिनेटेड बॉन्ड, मैंने फाइनेंशियल एसेट है, मैंने एक बॉन्ड खरीदा है, मतलब वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, कितने में खरीदा है, $1000 में खरीदा है, फेयर वैल्यू इसका $1000 है, $1000 इसका फेयर वैल्यू, और आपको पता होगा फाइनेंशियल एसेट हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करते फेयर वैल्यू में, तो आप बताइए इनिशियली फाइनेंशियल एसेट में कितने में दिखाऊंगा, $1000 में दिखाऊंगा, हालांकि $1000 में नहीं दिखाऊंगा, इसकी रुपी वैल्यू होगी उस दिन का ट्रांजेक्शन डेट में, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में आपका एक्सचेंज रेट कितना है, 40 रुपीज है, देखो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में 40 रुपीज है, तो $1000 × 40 यानी 40,000 रुपीज का मैं फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा, फेयर वैल्यू में मैं दिखा दूंगा, बात खत्म। ये देखो मैंने नीचे लिख भी रखा हुआ है, फाइनेंशियल एसेट में दिखा दूंगा 40,000 रुपीज में, $1000 × 40। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द सेड इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, अब बॉन्ड जो है ना वो कैरी करता है इंटरेस्ट 4.7% फेस वैल्यू में, ऑब्वियसली बात है जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपने जबकि बॉन्ड हेल्ड किया है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू में मिलता है, बोला 4.7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, द सेड इंटरेस्ट इज रिसीव एट द ईयर एंड, द बॉन्ड हैज ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years एंड इज रिडीमेबल एट इट्स फेस वैल्यू, इससे बता दिया क्वेश्चन है, मैं देखो फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1250 है, आपका फ्यूचर में रिडीम होगा फेस वैल्यू में, और फेस वैल्यू बता दिया $1250 है, तो आप बताइए जो आपको पेमेंट मिलेगा, जो इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1250 फेस वैल्यू है इसका, 4.7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 1250 का 4.7% आपको मिलेगा, यानी 58.75 जिसको आईसी ने राउंड ऑफ करके $59 कर दिया, $59 आपको मिलेगा यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द एंड ऑफ ईयर वन, ईयर में आपका फेयर वैल्यू कितना हो गया, 1060 हो गया, तो जो आपने $1000 अभी फेयर वैल्यू चल रहा है वो ईयर एंड तक उसकी फेयर वैल्यू 1060 हो गई, द एक्सचेंज रेट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 40 है और ईयर एंड में 45 है और एवरेज रेट 42 है, एंटिटी हैज डिटरमाइंड दैट इट इज होल्डिंग द बॉन्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और बोला कि ये FVTOCI कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है बोथ होल्ड करने का और बेचने का अगर मौका मिलेगा तो ये FVTOCI कैटेगरी में जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ये देखिए 10% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, बोला PNL में कितना जाएगा, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में कितना जाएगा बताइए, और जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाइए। तो आपको अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद है, हम फाइनेंशियल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज करते फेयर वैल्यू में और उसी अमाउंट पर हम इंटरेस्ट चढ़ाते इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो आपको यहाँ पर निकालना नहीं, आपको डेटा दिया हुआ है,
फाइनेंशियल एसेट आप फेयर वैल्यू में मेजर करोगे और इस पे आप इंटरेस्ट जो चढ़ाओगे, क्या इंटरेस्ट चढ़ाओगे 10% फेस वैल्यू में? ना जी ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जो इनिशियली रिकॉग्नाइज होता है फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसी के ऊपर तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके हम इंटरेस्ट चढ़ाते हैं। तो आपने रिकॉग्नाइज ही अगर अकाउंट्स में 40,000 में किया हुआ है तो 40,000 में तो इंटरेस्ट चढ़ाओगे, तो 40,000 का 40,000 नहीं बोलूंगा मैं, $1,000 आपका फेयर वैल्यू $1,000 है, $1,000 पे 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका, ठीक है? 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा नहीं, $100 होगा, कितना होगा $100, और $100 एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट वेटेड एवरेज वाला करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर होता पूरा, तो यहाँ पर ध्यान रहे एवरेज वाला लेंगे आप, यानी पूरा ऐसे तो पूरा ड्यूरिंग द ईयर का होता है, ड्यूरिंग द ईयर का हम एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज रेट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 42 दिया हुआ है, तो आपका 42 यहाँ पर आएगा, यानी 4200 का इंटरेस्ट आएगा। तो इससे मैं आपको क्या समझ पा रहा हूँ, देखिए मैं बोलूंगा फाइनेंशियल एसेट इनिशियली दिखाऊंगा $1,000 40 करके 40,000 में, और इसमें मैं इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा एट दी रेट 10% इफेक्टिव इंटरेस्ट, यानी $1,000 का 10% कितना होता है $100 इंटू 42 करके 4200 चढ़ाऊंगा मैं, तो मेरा फाइनेंशियल एसेट कितने का बन जाएगा बता, 44,200 का मेरा फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा, 44,200 का फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। अब मुझे क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट मिला है? अगर मुझे कोई पेमेंट मिला तो वो माइनस होगा, तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितना मिला बता, $69 पेमेंट मिला है, वो तो ईयर एंड में मिलेगा, तो ईयर एंड में मुझे $69 पेमेंट मिला जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ, ये देखिए जो वो फेस वैल्यू में मुझे इंटरेस्ट देंगे वो तो मेरे लिए पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है जो मुझे मिल रहा है, तो $59 तो $59 मुझे पैसा मिल रहा है पेमेंट, और ये क्लोजिंग रेट पे होगा 45 होगा क्योंकि एंड में पैसा मिलेगा, एंड में ट्रांसलेट करेंगे, तो 59 × 45 इतना मुझे पेमेंट मिल गया, 2655 मुझे पेमेंट मिल गया, ये मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा और मेरा फाइनेंशियल एसेट कम हो जाएगा, ये बैंक में पैसा आएगा और मेरा फाइनेंशियल एसेट कम हो जाएगा, तो मेरा फाइनेंशियल एसेट कितना हो जाएगा 44,200 माइनस 2655 हो जाएगा, और मेरे पास अभी मेरा डॉलर कितना पेएबल रहेगा, $1,000 देना था, $100 और इंटरेस्ट देना था, 59 मिल गया, यानी 1100 मिलना था, 59 मिल गया, यानी $1,041 आ रहा है मेरा, तो ये $1,041 मेरा क्लोजिंग आ रहा, आप देख लीजिए $1,000 प्लस $100 माइनस $59 मिल चुका है, तो $1,041 है। अब एक बात बताओ, आपने अगर इंडेक्स 21 पढ़ा है तो जो भी हमारा रिसीवेबल रहता है फाइनेंशियल एसेट उसे हम क्या करते हैं, मॉनेटरी आइटम उसे हम फेयर वैल्यू में दिखाते हैं, यानी उस दिन का एक्सचेंज क्लोजिंग रेट में हम ट्रांसलेट करते हैं, किसमें करते हैं, क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हैं। तो आप बताइए $1,041 जो है मेरा उसको तो मुझे क्लोजिंग रेट 45 में ट्रांसलेट करना चाहिए, 1041 × 45 यानी मुझे 46845 दिखाना चाहिए। तो जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसे हम एक्सचेंज गेन या लॉस बोलेंगे, हालांकि यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, एक्सचेंज गेन हो जाएगा आपका कितना, -41545 का आपका एक्सचेंज गेन आ जाएगा, यानी 5300 का मेरा एक्सचेंज गेन आ रहा है। तो अभी तक मैंने OCI का कोई काम ही नहीं किया, अभी तक मैंने OCI का कोई काम ही नहीं किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो मैंने OCI का कोई काम ही नहीं किया, मेरे पास $1,041 है, लेकिन यही $1,041 अब $1,060 का बन चुका है, कितने का, $1,060 का बन चुका है, यस ट्रांसलेट कर दिया मैंने क्लोजिंग रेट पे, अभी $1,060 का बन चुका है, तो मेरा $19 का जो फेयर वैल्यू चेंज है ये OCI में जाएगा, क्योंकि 1041 को आप 1060 में दिखा रहे हो, फेयर वैल्यू FBT OCI में मेजर कर रहे हो, तो फेयर वैल्यू चेंज कितना, $19 × 45 यानी 855 मेरा OCI में जाएगा, और फाइनली ये हो जाएगा 1060 × 45 ये हो जाएगा 47,700। तो आप यहां पर देखिए मेरा जो इनिशियली फाइनेंशियल एसेट आपका 40,000 का था, वो फाइनेंशियल एसेट मेरा 47,700 का हो चुका। आप सिंगल सिंगल एंट्री पूछोगे वो भी मैं बता दूंगा, देखिए फाइनेंशियल एसेट टू इंटरेस्ट इनकम 4200 होगा, बैंक टू फाइनेंशियल एसेट 2655 होगा, सिंगल सिंगल बता रहा हूं, आपका फाइनेंशियल एसेट टू PNL एक्सचेंज गेन 5300 हो जाएगा, और फाइनेंशियल एसेट टू OCI आपका 855 हो जाएगा, सिंगल सिंगल एंट्री बताइए। पर अगर आप इकट्ठा एक साथ मुझे पूछोगे तो मैं सीधा बोलूंगा देखो फाइनेंशियल एसेट 40,000 से 47,700 हो गया, मतलब 7,700 फाइनेंशियल एसेट बढ़ा है मेरा पूरे साल भर में, और बैंक में भी मुझे पैसे मिले हैं, मुझे पेमेंट मिला है 2655 का, ये मिला मुझे, और मेरा फायदा क्या हुआ, इंटरेस्ट इनकम मेरा आया 4200 का, ये रहा एक्सचेंज गेन जो कि PNL में जाता है ये भी मेरा है 5300 का, और OCI में जाएगा मेरा इतना 855 का, ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई है। तो ये मैंने जर्नल एंट्री बना दी, आप चाहो तो सिंगल सिंगल, लेकिन एग्जाम में सिंगल सिंगल नहीं, एक ग्रॉस जर्नल एंट्री इस प्रकार से दिखाना, फाइनेंशियल एसेट कितना बड़ा, बैंक में कितने पैसा है, इंटरेस्ट इनकम PNL लिखना, इंटरेस्ट इनकम PNL
एक्सचेंज गेन पीएनएल, और ये आपका ओसीए में जाएगा 855 का फेयर वैल्यू चेंज जो है वो मैंने दिखा दिया। इसी के साथ मैंने ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से करवा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। मुझे बता दीजिए फटाफट से क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे एक बार बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया। अब अगर आगे मैं आपको बोलूं तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी आपका किया हुआ इंडेक्स 19 में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका करा हुआ है, कराने की आवश्यकता नहीं। ये भी करा हुआ है, ये भी आपका 115 आरटीपी एमटीपी जो मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया था ना उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है। जो मैंने इंडेक्स 115 आरटीपी एमटीपी की बात करो पहले ही करा दिया था, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो ये आपका वहां पर हो ही जाएगा। ये भी पहले से बुक का क्वेश्चन ही है, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी और पहले कई बार करा चुका हूं मैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बुक का ये करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये एथिकल वाला क्वेश्चन, ये भी बुक का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ सीए का वीडियो डाल दिया है, उसमें एक क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका बुक का इंडेक्स 113 का क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर और कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है बस एक क्वेश्चन अब जो ऊपर का है वो हमें डिस्कस करना है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अभी बस ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में आरटीपी एमटीपी में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट करते हैं, फिर हम आरटीपी एमटीपी में पहुंचेंगे, फिर जो इंडेक्स 12 का क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे। एक नया जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजीली समझा दूंगा मैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 1 अप्रैल 2001 को जी लिमिटेड ने एक्वायर किया नया सब्सिडरी परचेसिंग ऑल 150 मिलियन शेयर्स। आपने 150 मिलियन शेयर्स खरीदा बी लिमिटेड। द टर्म्स ऑफ द सेल एग्रीमेंट इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ 4 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड। आपने क्या क्या पता सारा का सारा 150 मिलियन शेयर्स खरीद लिया, ऑल लिखा हुआ ना, मतलब 100% शेयर्स उनके 150 मिलियन शेयर्स है वो आपने खरीद लिया, और बदले में आपने क्या दिया पता, उनके 3 शेयर के बदले आपने 4 शेयर्स दिए, तो आप बताइए कितना शेयर्स दिया, 150 मिलियन 3 के बदले 4 दिया, मतलब 200 मिलियन शेयर्स आपने दे दिए। आगे देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड 10 रुपीज है। मतलब जो मैं जे लिमिटेड हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मैंने अपने शेयर दिए ना, मेरा शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है, यानी 2000 मिलियन का पीसी हो गया यहाँ पर, 200 मिलियन इंटू 10, 2000 मिलियन का हमारा पीसी हो गया, ये 2000 मिलियन का हमारा पीसी हो गया, मैं समझ में आ गया। द टर्म्स ऑफ द शेयर परचेस इंक्लूडेड द इशू ऑफ 1 एडिशनल शेयर इन जे लिमिटेड फॉर एवरी 5। और एक बात बोला कि उनको 5 शेयर के बदले हम 1 शेयर भी देंगे, प्रोवाइडेड अगर प्रॉफिट जो है ना बी लिमिटेड का वो 2 सालों में टारगेट फिगर को एग्जिट कर जाएगा, यानी यहाँ पर कंटिंजेंट कंसीडरेशन है, अगर प्रॉफिट एग्जिट कर जाएगा टारगेटेड फिगर को तब हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। करंट एस्टीमेट है कि 80% प्रोबेबल है कि आपका ये अचीव होगा, तो यहाँ पर आप देखो कंटिंजेंट कंसीडरेशन क्या दिया जाएगा, कंटिंजेंट कंसीडरेशन दिया जाएगा 150 मिलियन का शेयर्स का 1/5 / 5, यानी कितना जाएगा 30 मिलियन शेयर्स दिया जाएगा, 30 मिलियन शेयर्स हम देंगे इंटू 10 करके, यानी कितना 300 मिलियन का हम शेयर्स देंगे यहाँ पर, और 80% प्रोबेबिलिटी, तो उस हिसाब से आपको पता है हम कंटिंजेंट कंसीडरेशन को फेयर वैल्यू में दिखाते हैं, तो 300 मिलियन 80% प्रोबेबिलिटी मतलब मानेंगे इसका 80% ही आज के डेट में फेयर वैल्यू है, तो आज की डेट में इसकी फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से तो 240 मिलियन होगी, है ना। और ये हम देंगे कब, ये हम कब देंगे, 31 मार्च 2002 को, यस 2 साल के बाद, फॉर द 2 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2002, यानी वही 2 साल के बाद या 1 साल ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ से, आप फ्यूचर में दोगे तो उसकी फेयर वैल्यू मेरे नजर में कितनी है, 240 मिलियन होनी चाहिए। आप बताइए आपके हिसाब से 300 मिलियन होनी चाहिए कि 240 मिलियन होनी चाहिए, मुझे आप ये बताइए, तब तक मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप दोगे फ्यूचर में 5 शेयर के बदले 1 शेयर, यानी 30 मिलियन शेयर आप अभी नहीं दे रहे, फ्यूचर में दे रहे हो। 10 रुपीज अगर हम मानते हो उसकी फेयर वैल्यू, तो उसके हिसाब से 300 मिलियन फेयर वैल्यू है, बट 100% प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना, 80% प्रोबेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, 300 मिलियन लोगे कि 240 मिलियन लोगे, आप मुझे ये बताइए। चलो मैं ज्यादा नहीं रखता हूं, मैं आईसीए ने लिखा हुआ 300 मिलियन, बट मुझे ऐसा फील होता है फेयर वैल्यू उसका 240 मिलियन होगा। आईसीए का कहना यह है कि जबकि आपका प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है तो हम फुल वैल्यू ले लेंगे, ऐसा आईसीए ने माना है, तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन खाली 240 होना चाहिए, अगर आपको लगता नहीं सर 300 मिलियन ही होना चाहिए, चलो ठीक है आप 300 मिलियन ही मान लो, मैं आपको बता दूं आईसीए ने 240 मिलियन नहीं लिया, आईसीए ने पूरा फुल वैल्यू लिया यहाँ पर, पूरा का पूरा 300 मिलियन लिया, तो पीसी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 मिलियन प्लस 300 मिलियन एज पर आईसीए, यानी 2300 मिलियन का पीसी होगा यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए आप आपका अलग में फेयर वैल्यू, क्योंकि हमें कंटिंजेंट कंसीडरेशन फेयर वैल्यू में दिखाना होता है, यहाँ पर मोस्ट लाइकली की बात नहीं है, फेयर वैल्यू की बात हो रही है, फेयर वैल्यू हमें दिखाना होता है, फेयर वैल्यू आज की डेट में क्या है, तो कंटिंजेंट कंसीडरेशन का फेयर वैल्यू क्या, मोस्ट लाइकली भी एक जन बोल रहा सही है, अगर आपको लगता है मोस्ट लाइकली के हिसाब से आप ले सकते हो, ले सकते हो।
तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। चलो 2300 हम मिलियन पूरा का पूरा हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है हमने पूरा का पूरा ले लिया। अरे कोई बोल रहे मोस्ट लाइकली ले सकते हैं, सिंपल सी बात सोचो, फेयर वैल्यू में लेना होता है। अगर कोई सिर्फ 1 साल 2 साल के बाद दिया जाएगा उसकी फेयर वैल्यू तो आज कम होगी ना, कैसे पूरी होगी, एटलीस्ट डिस्काउंटिंग करके कुछ भी करके कम होगी उसकी फेयर वैल्यू। यहाँ पर तो डिस्काउंटिंग भी नहीं किया गया प्रेजेंट वैल्यू में, तो वो कम ही होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बट छोड़ो खैर हम इग्नोर मारते हैं। तो आपका 300 मिलियन हमने पूरा डाल दिया। फिर आगे लीगल एंड प्रोफेशनल फीस के बारे में ये पैराग्राफ पढ़ा हुआ है दिया हुआ, इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट है और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका कुछ भी खर्चा होगा इंडेस 103 के हिसाब से ये पीएनएल में जाएगा, तो इसका पीसी से कोई लेना देना नहीं, आपका पीएनएल में जाएगा। फिर आगे इंडिविजुअल बैलेंस शीट कंप्राइज नेट एसेट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 1200 मिलियन है। इंडिविजुअल बैलेंस शीट में आपका 1 अप्रैल 2001 को कंप्राइज करता नेट एसेट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 1200 मिलियन की। एडिशनली जे लिमिटेड कंसीडर्ड बी लिमिटेड पोसेस सर्टेन इंटेंजिबल एसेट्स जो कि रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स भी हम एक्वायर करेंगे उसे भी फेयर वैल्यू में दिखाएंगे 100 मिलियन का। तो 1200 मिलियन का हम नेट एसेट ले रहे हैं प्लस 100 मिलियन का कस्टमर रिलेशनशिप एक्वायर किया तो आएगा, ये तो बिजनेस में एक्वायर किया ये भी आएगा, प्लस आपने एक इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लिया जिसकी भी फेयर वैल्यू आएगी। अदरवाइज इंडस 38 में तो अलाउड नहीं, रिसर्च एंड डेवलप R&D का खर्चा अलाउड नहीं है, पर आप इंडस 103 में अलाउड रहता फेयर वैल्यू में दिखाओगे तो ये 50 भी आपका आएगा। तो आपका टोटल कितना होगा पता है, और एम्प्लॉय का आपका कुछ एक्सपर्टीज का ये नहीं आएगा क्योंकि ह्यूमन में इंटेंजिबल एसेट नहीं मानते, ह्यूमन में आपका कंट्रोल नहीं होता, तो ये नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिएगा ये वाला नहीं आएगा आपका। तो आपका आएगा कितना 1350। तो 1350 आपने क्या क्या INA एक्वायर किया है और बदले में आपने 2300 दिया है, तो गुडविल कितना होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि गुडविल बताइए आप। देख लेना क्वेश्चन है, गुडविल ही बताया ने को बोला था जहां तक मुझे याद है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। तो अब इससे देखो यहां पर हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा तो हमारा INA आ रहा है कितने का 1350 का, पीसी हम दे रहे 2300 का, तो मतलब गुडविल कितना आएगा 950 का आपका गुडविल आएगा, है ना 950 का आपका गुडविल आएगा। अच्छा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया, अच्छा आगे देखो यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूट द गुडविल ऑन कंसोलिडेशन ऑफ बी लिमिटेड दैट विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजस्टमेंट। तो जो भी आपका एडजस्टमेंट है उसका आप नेसेसरी एक्सप्लेनेशन दोगे, आंसर आपका ऑलरेडी है बुक में, आप उसको रीड कर लीजिएगा, बस 950 का गुडविल आएगा मैंने बता दिया, बाकी थ्योरी आपको जो जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको यहाँ पर उतार के आना है, डेट्स ऑल, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। तो इसी के साथ मैंने MTP के जो जो क्वेश्चन थे सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो सारे मैंने करा दिए। अब RTP में हम आते हैं, RTP में सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा पता है, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा इंडेस 7 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, सबसे पहले तो वही कराऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो सबसे पहले वही कराना मांगता है। देखिए इंडेस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसमें कुछ कुछ एक दो पॉइंट अच्छे अच्छे ट्विस्ट है जो आपको जानना चाहिए। अच्छा मजा आया मुझे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम RTP के अंदर आगे, RTP में हम करेंगे इंडेस 7 का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करें। MTP हमने सल्टा दिया पूरा का पूरा, बहुत ही कम टाइम में सल्टा, देखो 38 मिनट्स लगा सल्टा दिया हमने, तो बहुत कम समय में आपका हो जाता है वीडियो के जरिए। देखिए इंडिया 7 यहाँ पर फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मार्च लिमिटेड, यहाँ पर 31 मार्च 2002 प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का आपको दिया हुआ डेटा, देखो पूरा आपको बैलेंस शीट दिया हुआ यहाँ पर नीचे तक। डन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 200 लाख का, तो हम अगर इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो PBT आपका 200 लाख का, और यहाँ पर बोला गया कि प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख है। मैं आपको बता दूं ICA ने एक एजम्पशन लिया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख का है जो कि प्रोविजन लाइबिलिटी शो कर रहा है और आपने कुछ भी पे नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ICA ने ये एजम्पशन लिया, और आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जो आपका खर्चा आपने अभी तक पे किया नहीं है उसका कोई रोल नहीं है, तो मैं काम करता हूँ इस प्रोविजन को एक बार इग्नोर ही कर देता हूँ क्योंकि कैश फ्लो में तो उसकी जरूरत ही नहीं है, और ये PBT में ऑलरेडी माइनस नहीं हुआ है, अगर ये पेट होता ना तो मैं एडबैक करता, अगर ये 200 लाख का पैट होता तो मैं इसमें ऐड बैक कर देता, ये तो PBT है, इसमें तो अभी तक प्रोविजन ऐसे भी माइनस नहीं हुआ क्योंकि PBT के बाद ही टैक्स माइनस होता है, तो आपका ये ऐसे भी माइनस नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोविजन जो है ये हम ICA ने एज्यूम किया है कि ये प्रोविजन जो है आपका इस करंट लाइबिलिटी में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हम मानेंगे कि प्रोविजन को एक बार निकालो, प्रोविजन हम अलग से सोचेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये 45 ये 85 मानेंगे, ये 45 नहीं मानेंगे हम इसे 85 मानेंगे, मतलब मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स को हटाई दिया। अब अगर आप बोलो सर प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है तो प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या होगी, टैक्स एक्सपेंस,
प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, और प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी में अलग से रख देता हूँ, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी में अलग से 40 रख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखो पिछले साल जीरो था, मान लो अभी प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी 40 का है, और ये 40 हमारा कोई काम का ही नहीं क्योंकि इसे कोई कैश फ्लो में चेंज नहीं आ रहा, मैं सीधा पीबीटी ले रहा हूँ, कैश फ्लो में मेरा कोई चेंज नहीं आ रहा, बस ये ध्यान रखना इसको मैंने 85 माना, क्योंकि अगर टैक्स को हटा दे तो मेरी करंट लाइबिलिटी पिछले साल 90 थी, अभी मेरी 85 है। इसमें मैंने क्या किया, तो 85 नहीं गलती से लिख दिया, 05 है, 5 है, ओनली 5 है, गलती से 85 लिख दिया था, माफ करना 5 है। इसमें से मैंने 40 निकाल दिए क्योंकि 40 मिला कि ये 45 हो रहा था, तो मैंने 40 हटा के मैंने अलग से दिखा दिया इसको। तो आप ये बस करना, आप क्या करना, इसमें से 45 में से 40 माइनस करके नेट में आप 5 का करंट लाइबिलिटी दिखाना, तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको मैंने 40 लाख को टाई दिया क्योंकि पेमेंट तो वही नहीं, कैश फ्लो में कोई लेना देना नहीं है, मैंने पूरा का पूरा हटा दिया इसको, और ये अब मेरे लिए 5 का ही फिगर रहेगा ये वाला। चल अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपने परचेज किया 100 लाख, 100 लाख का आपने परचेज किया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अगर सोचो अगर आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 100 लाख का परचेज नहीं करते तो इसका फिगर 350 का होता, बताओ हाँ या ना, हमने परचेज किया तभी तो 450 हुआ, अगर परचेज नहीं करती तो 350 का होता, मतलब पिछले साल 410 था, इस बार 350 होता, मतलब डेप्रिसिएशन का फिगर मुझे मिल गया 60 का है, इसे इनडायरेक्टली मुझे पता चला 60 का डेप्रिसिएशन है, मतलब 410 ओपनिंग था, हमने 60 का डेप्रिसिएशन किया तो 350 हुआ, फिर हमने 100 का परचेज किया तो 450 हुआ, तो जो डेप्रिसिएशन 60 का है यहाँ पर, वो डेप्रिसिएशन 60 का हम पीबीटी में ऐड कर देंगे, नॉन कैश आइटम, ये इसमें माइनस हुआ हुआ पीबीटी में, हम ऐड बैक कर देंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है, मैंने 60 ऐड बैक कर दिया, और ये जो हमने 100 का और ये आपका 350 से आपका हुआ ना, ये जो हमारा 100 का हमने परचेज किया, मतलब ये देखा जाए तो असल में 350 है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और अब आपका 450 हो रहा है, मतलब आपने 100 का जो परचेज किया ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाला है, ध्यान रहे ये वाला 100 का आपने जो परचेज किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप माइनस 100 करोगे, आपने खरीदा है बस बात खत्म। अब आगे और रुक जाइए जरा, अब ये पॉइंट नंबर सी हम पढ़ते हैं, करेंट लाइबिलिटी इंक्लूड करते हैं कैपिटल क्रेडिटर्स और ₹25 लाख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेंट लाइबिलिटी आपका कैपिटल क्रेडिटर्स इंक्लूड करता है 25 लाख का 31 मार्च 2003 को, जबकि 31 मार्च 2002 को नील था, आपका 25 लाख का इसमें कैपिटल क्रेडिटर, कैपिटल क्रेडिटर का मतलब क्या पता है, आपने कोई कैपिटल परचेज किया जिसके पैसे आपने नहीं दिए अभी तक 25 लाख का, तो हम उसमें क्या करेंगे पता है, हम ये करेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे आपका कैपिटल क्रेडिटर इसमें जो है कहाँ गया आपका, ट्रेड पेबल्स कहाँ गया, ये रहा ट्रेड पेबल्स जो है 455 का, ये 455 का ट्रेड पेबल्स में से आप कैपिटल क्रेडिटर को एक बार निकाल दो, अगर कैपिटल क्रेडिटर नहीं होता इसमें तो ये कितने का होता, ये 430 का होता, हाँ या ना मुझे बताइए, अगर इसमें कैपिटल क्रेडिटर नहीं होता तो ये कितने का होता, 430 का होता, मुझे ये समझ में आ रहा है। और अभी जो 25 का हमारा जो कैपिटल क्रेडिटर है, इसका मतलब हमने 100 का जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट खरीदा है ना, हमने पैसे इसको 75 ही दिए, हमने 100 दिया ही नहीं है, 25 का हमारा उधार है, 25 का हमारा उधार है, हमने 75 का ही पेमेंट किया है, तो यहाँ पर मैं इसमें मानूंगा कि मेरा पेमेंट जो है वो माइनस 75 का ही मैंने पेमेंट किया है, 25 का मेरा उधार है, और अब जबकि ट्रेड पेबल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मामला, इसी वजह से मैंने वो 25 निकाला, क्योंकि 25 तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इसलिए मैंने इसमें से मैंने बोला कैपिटल क्रिएटर को निकाल दो, तो 25 मैंने इसमें से निकाला, 455 में से मैंने 25 निकाला, और मैंने बोला 430 का मेरा ट्रेड पेबल होगा, और वो 25 जो मैंने निकाला है वो 25 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, मैंने बोला 100 का पेमेंट ही नहीं हुआ 75 का पेमेंट हुआ, बताइए समझ में आया कि नहीं है। तो इस पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं पता है, इस पॉइंट में हम दो चीज कर रहे हैं, एक तो हमारा कैपिटल क्रेडिटर जो है वहां से हम 25 को कम कर दे रहे हैं, और एसेट में भी हम 25 कम कर दे रहे हैं, बोले हमने 25 कम पैसा दिया, तो ये वाला चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस 25 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका 100 नहीं होगा, माइनस 75 होगा, मतलब 25 ऐड बैक कर दे रहे हैं, और उधर आपका जो है 25 हमने एडजस्ट कर दिया, डन। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने एडजस्ट करवा दिया। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग आपने रेज किया ड्यूरिंग द ईयर 120 लाख का, लॉन्ग टर्म बोरिंग आपका, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब क्या होगा आपका, ये अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा आपका, तो आपने कितने का रेज किया लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये होगा ना, यस ये वाला होगा बोरिंग आपका, तो आपने 100 का रेस किया है यहाँ पर, 120 का रेस किया, अच्छा तो 120 का रेस किया, मतलब अगर मैं एक बार 120 को हटा दूँ इसमें से तो ये 240 होता है, मतलब मैंने एक बार 60 का पेमेंट किया है, 300 से 240 हुआ है, आप एक बार 120 को दरकिनार करो, आप ये सोचो 300 से 240 हुआ, मतलब
120 को निकाल दिया 360 से मैंने, तो मैंने बोला 60 का मेरा रीपेमेंट हुआ है, 60 का मेरा क्या हुआ, रीपेमेंट हुआ है, और 120 मैंने क्या किया है, नया से बोरिंग किया। तो इसको हम नेट नहीं दिखाएंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे, सेपरेट कर करके दिखाएंगे। आप बोलते हैं सर सीधा भी तो नेट दिखा सकते हो, ये दिखा सकते पर ऐसे नहीं दिखाएंगे, सेपरेट करके दिखाएंगे। आपको मैंने ये बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी मैराथन में कराया था, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर एसेट बढ़ता है तो माइनस, एसेट घटता है तो प्लस, और लाइबिलिटी में अगर एसेट लाइबिलिटी गिरता है तो माइनस, लाइबिलिटी बढ़ता है तो प्लस। तो यहां पर आप बोलो सर लाइबिलिटी बढ़ा है, आपको प्लस 60 करना चाहिए, पर मैं बोलूंगा प्लस 60 मत कीजिए। आप क्या बोलिए, एक बार 60 का रीपेमेंट हुआ है, यानी माइनस 60 कीजिए और प्लस 120 कीजिए, दो अलग अलग, एक बार माइनस 60, एक बार प्लस 120, अल्टीमेटली प्लस 60 ही आएगा हमारा। तो इसके साथ मैंने क्या किया, ये सारा किस्सा तो मैंने सलटा दिया। फिर बोला हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड, एज्यूम करो बैंक ओवरड्राफ्ट इंटीग्रल पार्ट है कैश मैनेजमेंट का, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखिए, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 300 है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 410 420, जो कि उससे एडजस्ट हो जाएगा, 300 में से 410 और इसमें से 420, यानी यहाँ पर आएगा नेट -110, यहाँ पर आएगा नेट -120। ये आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -75 होगा, मैंने पता कर लिया। इनटेंजिबल एसेट में कुछ भी नहीं, देखो नील आएगा 90 90 है। डेफर्ड टैक्स एसेट में भी कुछ नहीं है, 45 45 है। अदर नॉन करंट एसेट्स, आपको मैं बता दूं यहाँ पर अदर नॉन करंट एसेट्स में ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक आईसी का क्वेश्चन है, वहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि सारे अदर नॉन करंट, करंट, अदर करंट, आपके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी कैश ऑपरेशन के पार्ट होंगे, तो हमने ऑपरेशन का हिस्सा लिया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा लिया था, बट यहाँ पर आईसी ने साइलेंट रहा है। बट उसके बावजूद भी इन्होंने सारे जो अदर वाले ना, सबको इन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना, जो कि गलत है। मेरे ख्याल से आईसी को एक लाइन लिख देना चाहिए था कि जितने अदर वाले आइटम है वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो लिखना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम एजम्पशन करें कि जितने अदर नॉन करंट, करंट एसेट लायबिलिटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगे। तो 85 से 95 एसेट बढ़ा, मतलब -10। फिर 60 से 100 ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, 60 से 100 एसेट बढ़ा, मतलब -40। ट्रेड रिसीवेबल 600 से 580 वो गिरा, मतलब +20, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर आगे देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो मैंने करवा ही दिया। 700 से इन्वेंटरी बढ़ा है, मतलब -100 होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेंटरी 700 से 800। अदर करंट एसेट्स को भी हम ऑपरेटिंग मानेंगे। 120 से 160 हुआ, मतलब -40 हो जाएगा आपका, ये मैंने कर दिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ा, देखो शेयर कैपिटल बढ़ा आपका, शेयर कैपिटल यानी फंड्स रेज किया 30 का, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में तो बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 30+ होगा आपका। अदर इक्विटी को तो देखना ही नहीं, कभी भी मत देखिएगा। फिर आपका बोरोइंग में मैंने आपको बोल ही दिया ऑलरेडी, बोरोइंग के मामले में मैंने आपको क्या बोला, आप एक बार -60 करोगे रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बोल के, एक बार +120 करोगे आपका इशू ऑफ यानी लोन बोरिंग्स बोल के आप 120 का प्लस करोगे, और ये दोनों किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। फिर इसके बाद आपका अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है, ये अदर आपका किस में जाएगा, मैंने कहा था ना ऑपरेटिंग में दिखाओगे अदर वाला, 10 बढ़ा तो +10 कर दोगे आप, यहाँ पर खत्म बात। अब ये सारा मैं एक बार मिटा रहा हूँ, प्रोविजन का काम नहीं इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का भी काम नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने एडजस्ट कर दिया है, और ये वाला मैं 45 नहीं पकड़ रहा, इसको मैं 5 पकड़ूंगा क्योंकि मैंने प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट कर दिया। तो अब देखिए 450 से 430 हो गया, मतलब 20 गिरा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में -20 होगा हमारा। जी उपाय नहीं है, आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग, आईसी ऐसा गड़बड़ करता मैं क्या बोलूं आपको, मैं खुद परेशान हुआ आईसी से। 90 से 5 हो गया, मतलब 85 गिर गया आपका, यानी 85 गिरा, ये अदर है, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। तो बस बात खत्म, ऑपरेटिंग में क्या गया हमें पता चल गया। तो अब देखो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं रफ में करा देता हूँ, पीबीटी 200 था, प्लस 60 मैंने ले लिया, ठीक है ये ले लिया। अब जितने ऑपरेटिंग वाले वो मैं प्लस माइनस करूंगा, -10 +20 -100 -40 -10 +20 -100 -40 ये था ना, यस -100 -40। फिर ऑपरेटिंग में आपका क्या, +10 -20 -85 +10 -20 -85। मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा कितना आया, मुझे बता दीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आ रहा है, 260 250 270 170 130 140 120 -85
35 आ रहा है क्या? देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 35 आना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 35 हमारा एकदम सही आया, एकदम सही आया हमारा। अब अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो आंसर एकदम सही आ रहा है अभी तक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब हम देखते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना, -75 एक, -40 है और कुछ भी नहीं है, और नीचे वाला में कुछ लेने का था नहीं था। यस, और कुछ भी नहीं है, यानी -75 -40 ये कितना आ गया, -115 है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर मैं बोलूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इधर तो एसेट साइड में ऐसे भी नहीं होगा, इक्विटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 30 है प्लस 30 -60 प्लस 120 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ गया, और कुछ नहीं है, नहीं है और कुछ, बस इतना ही है, बस 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 और कुछ ही नहीं बचा, नहीं बचा और कुछ नहीं बचा हमारा, नहीं बचा और कुछ भी, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बस इतना ही है। तो ये कितना आ गया, 30 -60 और 90 आ रहा है क्या ये, तो आपका इधर आ रहा है -115 और इधर 90। ये देखो -115 और इधर 90 आ गया, दोनों का तीनों का नेट मिला देंगे हम हमारा, तो हमारा 10 आएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट -120 था, 10 एडजस्ट करेंगे तो -110 आ जाएगा, बस बात खत्म। और यहाँ पर देखो नोट में लिखा हुआ इन्होंने एजम्पशन लिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स अदर करंट लायबिलिटी में एज्यूम है कि उसके अंदर है जो हमने निकाला। तो यहाँ पर आपने एक दो जगह में हमने एजम्पशन लिया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माना जाएगा, जितने अदर वाले हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माने जाएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, सॉरी इंड 7 का क्वेश्चन क्या ये क्लियर हो चुका है, मुझे बता दो फटाफट से, इंड 7 का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो अब मैं आपको इंडेक्स 23 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 14 कराऊंगा, 15 कराऊंगा, 16 कराऊंगा, 17 मैंने करा दिया, 19 तो करना नहीं, ऑलरेडी बुक का क्वेश्चन है, नहीं करना आपको। चलो पहले 20 करा देता हूँ फटाफट से, पहले इजी सा क्वेश्चन है इंडेक्स 102 का, पहले ये करा देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट जो है आप ये समझिए, अगर पीबीटी अगर पेट होता ना तो पेट में हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को एडबैक करते, लेकिन पीपीटी इसलिए एडबैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो जो 40 आप एडबैक करते वही आपका डिफरेंस है 0 और 40 का, तो 40 से आपका लायबिलिटी आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, वही हम एडबैक कर देते हैं। बट अब उसको मैंने 40 को अदर से हटाया ताकि मैं पता कर सकूं कि दूसरा करंट लायबिलिटी क्या है, उसका डिफरेंस मैंने ले लिया, बस प्रोविजन का वही करना, मतलब प्रोविजन का इफेक्ट को नलीफाई कर दिया क्योंकि पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो प्रोविजन को पूरे हटाई दो, क्योंकि प्रोविजन कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि पेमेंट तो करना ही नहीं है। तो पीबीटी सीधा दिया हुआ था, प्रोविजन का कुछ एडजस्टमेंट होना नहीं है, और बैलेंस शीट से भी प्रोविजन को मैंने निकाल के फेंक दिया, मैंने बोला तू जा तेरा कोई काम नहीं यहाँ पर, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन का कोई काम ही नहीं रहता, आप पेमेंट करोगे तब उसका रोल आएगा, पेमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20, फेसन इंडिया लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद आरएफटी लिमिटेड ऑन 10th August 2002 फॉर परचेसिंग ए मशीनरी। आपने 10th अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट किया है मशीन खरीदने का। एग्रीमेंट हैज ए क्लॉज दैट एफआईएल विल हैव टू सेटल द कंसीडरेशन ऑफ मशीनरी परचेज बाय इशूइंग इट्स इक्विटी शेयर। यानी ये एग्रीमेंट क्या किया कि मशीनरी खरीदने के बाद इक्विटी शेयर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पता है इंडस 102 में नॉन एम्प्लॉय का कंसेप्ट आएगा। मैंने आपको एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय पढ़ाया था, नॉन एम्प्लॉय में मैंने बोला था कि हम अगर शेयर बेस पेमेंट देते मशीनरी खरीद वगैरह गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के हम शेयर देंगे तो हम उसे मेजर करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। और कौन सा दिन मेजर करेंगे, डेट कौन सा होगा, जिस दिन आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हुआ उस डेट में मेजर करेंगे, उस डेट में रिकॉग्नाइज करेंगे। एफआईएल एग्री टू द क्लॉज एंड दैट द ऑर्डर वाज कंफर्म्ड, मशीनरी वाज सप्लाइड ऑन 25th अक्टूबर एंड डिलीवर्ड ऑन 1st नवंबर। तो 1st नवंबर को डिलीवरी हुई है, तो आपका जिस दिन गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिला है 1st नवंबर को उसी दिन का वैल्यू दिखाएंगे। एग्रीड परचेज कंसिडरेशन वाज ₹150 लाख एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी, आपका मशीनरी का फेयर वैल्यू कितना, 160 लाख। मैंने बोला ना फेयर वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे नॉन एम्प्लॉय के मामले में 160 लाख लेंगे। एस एग्रीड एफआईएल इशूड 1 लाख शेयर्स टू आरएफटी लिमिटेड एज पर इंडेक्स 102। प्राइस क्या होगा, हम बोलेंगे प्राइस होगा नॉन एम्प्लॉय का कंसेप्ट है, नॉन एम्प्लॉय में फेयर वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड वाला प्राइस दिखाते जो कि 160 लाख है, इस प्राइस में मेजर करेंगे। और डेट भी कब होगा, डेट व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, गुड सर्विसेज आपको रिसीव कब हुआ है, 1st नवंबर को हुआ है ना,
तो फर्स्ट नवंबर आपका डेट होगा, तो 160 लाख और फर्स्ट नवंबर आपका आंसर होगा इसका। देखो फर्स्ट नवंबर को रिसीव वो होगा और 160 लाख होगा। तो ये कंसेप्ट इसलिए मैं कहता हूँ, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, आधे नए क्वेश्चन आएंगे आप अपने आप ही कर लोगे, क्योंकि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहेगी तो आप एग्जाम में आराम से कर पाओगे। कोई भी नए नए वाले क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर पाओगे। 20 मैंने करा दिया, इधर आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी मुझे याद आ रहा है, पहले से है आपका, है ना बुक में। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं भी है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है क्वेश्चन, ये आप कर लीजिएगा, जस्ट ट्राई करना, जस्ट सोल्यूशन को रिव्यू करना, आपको पता चल जाएगा, कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं। तो इधर का ये सारा क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे क्या, 14, 15, 16 पहले करेंगे। चलिए उसके बाद टैक्स वाला जो क्वेश्चन है लास्ट में, एक टैक्स का जो नया क्वेश्चन आईसीए ने मटेरियल में ऐड किया है वहीं से करा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसी से ही एक्स्ट्रा निकाल के बनाया गया क्वेश्चन, तो वो करा देंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। या फिर आप बता दो, आप अगर बोले नहीं सर ये वाले करा दो, हालांकि क्वेश्चन सेम ही है, तो ये करा दूंगा, स्टडी मटेरियल वाला नहीं करूंगा, पर मेरा मानना है कि स्टडी मटेरियल वाला करा देना चाहिए, ये वाला नहीं कराना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी आप जो बोलोगे वो मैं सुन लूंगा आपकी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करते हैं। PQR Limited is engaged in tourism business in India. The company is planned to construct a holiday resort at Shimla. The cost of the project has been met out of borrowed funds of rupees 100 lakh at the rate of 12%. आपने क्या किया है, टूरिज्म बिजनेस करने के लिए आपने कंस्ट्रक्ट करना चाहिए एक रिजॉर्ट जो कि क्वालिफाइंग एसेट है। कॉस्ट आपका कितना लगेगा प्रोजेक्ट का, जो कि हम बोरोड फंड से करेंगे, 100 लाख रुपीस लगे और 100 लाख आपने 12% में बोरो किया। 40 लाख वेर डिसबर्स ऑन 1st अप्रैल 2002 एंड द बैलेंस 60 लाख वेर डिसबर्स ऑन 1st जून 2002। आपने 1st अप्रैल को 40 लाख खर्चा किया, 60 लाख आपने 1st जून को खर्चा किया। द साइट प्लानिंग वर्क कमेंस्ड ऑन 1st जून। आपने काम ही शुरू कब किया, 1st जून को साइट प्लानिंग किया है, तो टेक्निकल वर्क भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, प्लानिंग वगैरह भी आता है, इवन आप परमिट वगैरह निकालोगे तो भी मानेंगे एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से होगा, 1st जून से होगा। सिंस द चीफ इंजीनियर ऑन द प्रोजेक्ट वॉज मेडिकल लीव, ये पता, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है कि आपका टेम्पररी डिले तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, वो मेडिकल लीव में, उसे हम क्या करें, हमारा जिस दिन आपका टेक्निकल वर्क शुरू हुआ है साइट प्लानिंग, हम उसी दिन को कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोलेंगे 1st जून को। द कंपनी कमेंस फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑन 1st जुलाई 2002, उससे मतलब नहीं रखता आपका 1st जुलाई को फिजिकल कंस्ट्रक्शन, वो उससे मतलब नहीं है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले टेक्निकल वर्क भी चालू तो भी मानेंगे एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है। तो ये 1st जुलाई आपके लिए नहीं होगा, ये सब घुमाने के लिए दे रहे हैं, 1st जुलाई आपका नहीं होगा, 1st जून ही आपका कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा। तो 1st जुलाई सिर्फ घुमाने के लिए दिया, कोई काम का नहीं है। और वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका 30 सितंबर से बिना रुके हुआ, तो 1st जून से लेके 30 सितंबर तक आराम से काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से आपका काम रुक गया। The road blockage have been cleared by the government machinery by 31st December 2002. Construction activities आपका resume हुआ 1st January 2003 को और complete हुआ 28 February 2003 को। तो आगे जाके फिर वापस 30 September के बाद कब काम चालू हुआ? 1st January को काम चालू हुआ, 28 February को start हो गया। फिर आगे The date of opening has been scheduled for 1st March 2003 को open होना था, बट अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने परमिशन दिया ओपनिंग का 16th मार्च को। तो इसमें अब ये मामला आ जाता है, ये सब्सटेंशियल है या नहीं आपका ओपनिंग करना, है ना, सब्सटेंशियली आपका वो रेडी फॉर यूज हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिया होगा, दो अलग अलग दिया हुआ। मैं पहले आपको पढ़ाता हूँ पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोला लैंडस्लाइड कॉमन है शिमला में एंड डिले इन अप्रूवल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो हम बोलेंगे सब्सटेंशियली आपका काम 20 फरवरी को खत्म हुआ ही नहीं है, 16 मार्च को ही काम खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि अप्रूवल लेना आपका मेजर है। तो हमने पढ़ा था अगर माइनर मॉडिफिकेशन वगैरह बचा हुआ है तब तो हम बोलेंगे कि सब्सटेंशियली ऑल द वर्क कंप्लीटेड, और उसी दिन हम क्या करेंगे कैपिटलाइजेशन सीज कर देंगे, ये हमने पढ़ा था थ्योरी में। लेकिन अगर मान लीजिए मेजर काम बाकी है तब तो हम नहीं बोलेंगे ना, तब तो हम कैपिटलाइजेशन सीज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं हुआ है, अभी तक सब्सटेंशियली सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 में आप मुझे बताइए क्या ये जो बीच में काम रुका, ये जो काम रुका ये आपका कॉमन है, तो ये टेम्पररी डिले है, तो हम इसमें क्या करेंगे पता, 1st जून से लेके 30 सितंबर तो लेंगे ही, इसके अलावा 1st अक्टूबर से लेके 31st दिसंबर भी यहां पर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 महीना है टेम्पररी डिले, जो कि जेन्युइन रीजन है, कॉमन है वहां पर, यूजुअली ऐसा होता है, तो वो ऐसा सिचुएशन में कैपिटलाइजेशन सस्पेंशन नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ रखा हुआ है। तो ये आपका आएगा, इसके अलावा 1st जनवरी से लेके हम बोलेंगे
मार्च को काम खत्म हुआ है आपका। तो आप यहां पर मुझे बताइए सेकंड केस में आपका कितना पीरियड का कैपिटलाइजेशन होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर चार महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन सात महीना, जनवरी फरवरी नौ महीना और आधा महीना साढ़े नौ महीना, यानी यहां पर 9.5 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन होगा। और वही अगर पॉइंट नंबर ए में इन्होंने बोला कि लैंडस्लाइड कॉमन नहीं है शिमला में, तब तो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, कॉमन नहीं है आपका, है ना, यूजुअली नहीं होता ऐसा, और डिले भी जो है ना वो माइनर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे पता है, फर्स्ट जून से लेके 30 सितंबर तक हम कैपिटलाइज करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि लैंडस्लाइड कॉमन नहीं है शिमला में, आपका नसीब खराब है तो वो जेन्युइन नहीं माना जाएगा, और इसके अलावा आपका माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव का वो माना जा रहा है जो अप्रूवल है माइनर है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट जनवरी से लेके 20th फरवरी तक ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, छः महीना आएगा, जून जुलाई का सितंबर और जनवरी फरवरी सिक्स मंथ्स आएगा। तो हमारा कितना अमाउंट है, 100 लाख आपका बोरोड है, 1st अप्रैल को 60 लाख अपने खर्चा किया, सॉरी 1st अप्रैल को 40 लाख खर्चा किया और 1st जून को 60 लाख खर्चा किया, तो 1st जून तक हमारा 60 लाख ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, 1st जून से हमारा कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है और 1st जून तक आपका 100 लाख ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। तो 100 लाख का कितना परसेंट, 12%, एक पहले वाले में डालोगे 6/12 और दूसरे वाले में डालोगे 100 लाख का 12% 9.5/12, बस जो आंसर आएगा वही बोरिंग को सब कैपिटलाइज करोगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो गया। बोलो आराम से हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द कंपनी हैज मेड सेल्स ऑफ रुपीज 60 लाख टू ए कस्टमर एसएस एलएलपी ऑन 31st December 2002। नॉर्मल क्रेडिट कितने का, एक महीने का नॉर्मल क्रेडिट है, आपने सेल्स किया 60 लाख रुपए का, हाउएवर कभी कभी ये दो महीना भी हो जाता है, तो आपने 31 दिसंबर को बेचा है तो आपको 20th February तक तो पैसे मिल जाने चाहिए थे, 20th February 2002 तक आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, है ना। और ये लिखा हुआ यहाँ पर 2002 ने 2003 होगा, नेक्स्ट ईयर तो 2003 हो गया ना, कंपनी एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि 20th February 2003 तक पैसा मिल जाएगा, हाउएवर नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड टिल 31st March 2003, ईयर एंड तक तीन महीना हो गया आपको पैसा नहीं मिला। 15th April 2003 को सेल्स डिपार्टमेंट को पता चला, सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ने अवेयर किया कि कस्टमर जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे और मेजर कैश फ्लो प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंडस 10 पढ़ा होगा, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसे हम पता है एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं, क्यों हम इसे एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, क्योंकि ये पहले से ही बैंकरप्ट था, कहीं ना कहीं इसको पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस था, हमें नहीं पता था, कैसे ये पैसे नहीं दे रहा था तीन महीने से, आपका फैब में इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसके बाद एक और महीना इसने नहीं पैसे दिया, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि इसको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो उस वजह से हम बोलेंगे कि ये आपका, हमारे पास एविडेंस नहीं था, ये कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती थी लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। फिर आगे, द कंपनी ने एग्री किया है टू अलाउ द कस्टमर टू सेटल द डेट बाय 31st March 2004, तो 31st March 2003 के तक इन्होंने ये अलाउ कर दिया है कि अब 31st March 2004 तक पैसा दे दीजिए। बाय विच टाइम द कस्टमर इज कॉन्फिडेंट दैट द कैश फ्लो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व, कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एनुअल इंटरेस्ट रेट 9% है, इफेक्टिवली कैन बी रिसीव्ड अगेंस्ट एनी मनी लेंट आउट, ये डेट अलाउड द कस्टमर एन इंटरेस्ट फ्री पेमेंट पीरियड, आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा, बोला ट्रेड रिसीवल्स कितना दिखाया जाएगा। हालांकि ये जो ट्रेड रिसीवल्स है आपको पढ़ा है, ये शॉर्ट टर्म है आपका, है ना, और यहाँ पर अगर ट्रेड रिसीवल्स वगैरह के मामले में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है, अगर इसमें आपका 30 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुका है, रिस्क आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुका है, और वहां पर यूजुअली हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगाते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, जो भी ज्ञान है आपका छोड़ो एक बार साइड में रखो, आईसीए ने क्या किया मैं आपको बता दूं, आईसीए ने सीधा ये बोला कि 31st March 2004 को आपको पैसा मिलेगा, इसकी श्योरिटी है, वो दिखाया आईसीए ने 60 लाख रुपीज, और बोला कि इसको प्रेजेंट वैल्यू में 31st March 2003 में लिया, ये 9% के रेट से 60 लाख/1.09 कितना, 5504587 का आप ट्रेड रिसीवल्स दिखाइए, बाकी का प्रोविजन बनाइए, इंपायरमेंट दिखाइए, इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट दिखाइए बाकी का, तो कितने का इंपायरमेंट होगा, -60 लाख, यानी 495413, मतलब हमारा एंट्री क्या होगा, इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट 495413 टू फाइनेंशियल एसेट 495413, ये आप दिखाओ।
तो इसमें आप समझ लो थोड़ा सा रट्टा ही लगाना आपको, ठीक है? डन, बोलो अभी तक सही है या नहीं है? बोलो अभी तक परफेक्ट है? अभी तक सब समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर से लाइक करें, बगैर मत जाना। बताओ नेक्स्ट इंडेक्स टू कर ले मैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब मैं आप मुझे आपको आरटीपी में इंडेक्स टू ही कराना, फिर इंडेक्स ट्वेल्व कराना, और कुछ भी नहीं कराना मुझे आप। तो ये वाला क्वेश्चन मैं फटाफट से आपको करा देता हूँ, आ जाइए फटाफट से करा दूँ ये वाला क्वेश्चन। चलो परफेक्ट है अभी तक, बता दो ठीक है, आ जाइए। पी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम्स ऑन क्लेम बाय कस्टमर एट जीरो। मतलब आपके पास कुछ कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आपको फ्री में देना है कस्टमर को, इसलिए आपने, जबकि हमें पता है इन्वेंट्री को हम एनआरवी में दिखाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी बीच पर स्लोअर में दिखाते हैं। तो कॉस्ट इसकी कुछ भी हो, आप हालांकि आपको तो मिलना कुछ है नहीं, जीरो मिलना, तो इसकी एनआरवी तो जीरो है, तो कॉस्ट और एनआरवी बीच पर स्लोअर आपको जीरो में दिखाना, जीरो में दिखा रहे हो, सही करो। कस्टमर के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकते हैं फ्री आइटम को विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी ऐसे पॉकेट में फ्री नहीं मिलेगा उनको। उनको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन उन्होंने सेल खरीदा था, परचेज किया था, इनवॉइस की डेट से 14 डेज के अंदर उनको क्लेम करना पड़ेगा। इफ द टाइम लिमिट ऑफ 14 डेज एक्सीड्स द क्लेम इज फॉरगॉन बाय द कस्टमर। द मेजॉरिटी ऑफ द फ्री आइटम रिक्वायर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द बायर फॉर पार्टिसिपेशन इन द कॉन्टेस्ट कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव ब्रांड विच नीड्स टू बी डन बाय द बायर्स विद इन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यानी आपने जब परचेज किया कस्टमर ने, इनवॉइस डेट से 3 दिनों के अंदर तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद 14 दिनों के अंदर क्लेम करना पड़ेगा, तब जाके उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आउट ऑफ इट अ फ्यू आइटम अंडर दिस कैटेगरी वर फाउंड डैमेज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सच आइटम वुड बी ₹2,50,000। डिटरमाइन वेदर द एंटिटी हैज टू बुक लॉस ऑफ इन्वेंटरी और प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट नीड टू बी गिवन एज फ्री आइटम टू कस्टमर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ वेंडर। यानी बोला जा रहा है कि इन्वेंट्री को लॉस ऑफ इन्वेंट्री दिखाएंगे कि आप प्रोविजन बनाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है ना, कि हमें नहीं पता कितनी है, और इसकी एनआरवी हम बोलेंगे जीरो है। मैं बता दूं एनआरवी इसकी जीरो है। आप अगर बोलोगे सर इसकी एनआरवी जीरो नहीं, आप 250,000 एनआरवी लीजिए, ये हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हमें उनको देना ही है, हमें इन्वेंट्री हम नहीं भी दे सकते। क्यों? क्योंकि क्या पता अगर वो क्लेम ही ना करे 14 डेज तक, तो हमें देना ही नहीं पड़ेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते 250,000 का आपका अभी कन्फर्म फॉर श्योर लॉस है ही आपका। अगर कन्फर्म फॉर श्योर लॉस होता तब तो आप क्या करते, इन्वेंट्री का लॉस दिखाते। अभी हम जहाँ पर कंफर्म नहीं होते वहां पर एस्टीमेशन करते, और एस्टीमेशन का मतलब ही प्रोविजन होता है। प्रोविजन का इस्तेमाल वही होता है जहां पर एस्टीमेशन होता है, और यहाँ पर जबकि आपका 3 डेज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर 14 डेज के अंदर क्लेम करना तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कस्टमर को हमें देना ही। अगर यहाँ पर ये बोलता है कि बिना रजिस्ट्रेशन बिना कुछ के कस्टमर को देना ही पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं, हमें देना ही पड़ेगा, कोई रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं, कोई कुछ भी जरूरत नहीं, हमें 250,000 का इन्वेंट्री देना है उनको, तो हम सीधा बोलते हैं हाँ लॉस ऑफ इन्वेंट्री 250,000 का हो गया, कन्फर्म है। तब तो फिर भी अब लॉस ऑफ इन्वेंट्री 250,000 का दिखा देते, बट यहाँ पर जबकि कन्फर्म नहीं, इसलिए हम एस्टीमेशन करेंगे, और हमारे एस्टीमेशन में हम प्रोविजन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री को दिखाओगे कितने में, आप जीरो में दिखाओगे, और प्रोविजन बनाओगे कितने का, 250,000 का, क्योंकि प्रोविजन एस्टीमेशन, और एस्टीमेशन बदल भी सकते हैं, हम प्रोविजन दिखाएंगे 250,000 का। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो अब ये सारा चीज आपको क्लियर हो चुका है, तो अब बस हमारा बचता है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंडेक्स 22 आपका, 20 इंडेक्स 12 भी ये गलती से लिखा है इन्होंने, एस 22 लिख दिया क्या, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। इंडेक्स 12 भी तो इनकम टैक्सेस है ना, इंडेक्स 12 भी तो इनकम टैक्सेस, बताऊं गलती कर दी इन्होंने लिखने में, आईसीए ने एस 22 लिख दिया इन्होंने, एस वाला, मैं तो सही हूं ना, बोलो हाँ या ना, तो ये वाला क्वेश्चन क्या करूं मैं, बुक का करा दूं, बताऊं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बुक का कराऊंगा ज्यादा बेहतर रहेगा। यस 12 भी तो है, मुझे भी 22 लिखा हो भाई, कंफ्यूज कर दिया हमें भी, ऐसे है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपके रिवीजन वीडियोस मोर देन सफिशिएंट है, FR and AFM बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच, बोलो हाँ है ना। इंडेक्स 12 हम बुक से करा दें, न्यू इंडेक्स रिलीज्ड बाय ICAI बुक से करा दूं ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे ऐसा लगता है।
सुपरमैन जी 103110 का ऑलरेडी रिवीजन वीडियो लिया हुआ है, मैंने टेलीग्राम में लिंक भी दिया हुआ, वहां से आप आराम से कर लीजिए। यस क्या बोले, छोड़ो माफ कर देते मैं इसे। यस स्टडी मेट से करा देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें ज्यादा है एलाबोरेट किया हुआ, उसको करने क्या तो वो आपको नहीं देखने से भी चलेगा, वो भी कर पाओगे आप, जो आपके आरटीपी में है ना वो आप तब भी कर पाओगे आप। उसके बावजूद भी कर पाओगे। मेरे क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 है। ये देखिए इलस्ट्रेशन 10 यहां पर दिया हुआ है, सॉल्यूशन में यहां पर आपको करंट टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, चलेगा। इलेवन मैं आपको एक बात बता दूं, इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 दोनों एक साथ ही है। 11 में इन्होंने क्या किया पता है, टैक्स बेस पूछा, मेरे हिसाब से 11 तो नहीं करने से चलता है। 12 जब हम 12 का सॉल्यूशन करेंगे ना तो 12 का सॉल्यूशन में 11 भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, सच बता रहा हूं आपको मैं, 12 के सॉल्यूशन में 11 ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो मुझे क्या करना पता है, मुझे ये जान मुझ के उधर लेके जाना है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। मैं कॉपी कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन 10 के ऊपर लेके जा रहा हूं। जान मुझ के लेके जा रहा हूं मैं ताकि आपको बहुत इजी वे में समझा सकूं, मैं एकदम इजी कर दूंगा मैं इसको, होप सो। कराते समय डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तैयार हो? चलो तो अब आप अगर तैयार हो तो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं पढ़ना। देखिए एच लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांटिंग टू कैलकुलेट इट्स टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। आपका टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल लॉस पूछा जा रहा है, उससे करंट टैक्स निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओसीआई द बैलेंस शीट एंड नोट्स आर गिवन बिलो। टैक्स रेट बोला करंट फाइनेंशियल ईयर का 30% है, लेकिन नया टैक्स रेट 32% है फ्यूचर का 2008 अभी 2007-08 में, हमें ध्यान रखना अभी 2007-08 में, आगे जगह करंट नेक्स्ट ईयर 2008-09 से हमारा टैक्स रेट कितना होगा 32% होगा। तो अगर हम DTA DTL बनाएंगे वो तो फ्यूचर में हमारा होगा एडजस्टमेंट, है ना, टेम्पररी डिफरेंस है। तो DTA DTL यहाँ पर 32% में बनेगा, हाई आना मुझे बताइए, क्योंकि करंट टैक्स एसेट करंट टैक्स लाइबिलिटी तो करंट ईयर का वो 30% होगा। DTA DTL का मतलब क्या, सरकार फ्यूचर में डिडक्शन देगी, फ्यूचर में टैक्स लेगी और फ्यूचर का टैक्स रेट तो 32% है। तो आपका DTA DTL जो है 32% में बनेगा, ये मत भूलना, एग्जाम में गलती मत करना, 30% में नहीं बनेगा, 32% में DTA DTL बनेगा। कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट, अब देखो बैलेंस शीट जो दिया हुआ ये तो कैरिंग अमाउंट है हमारे, हमारा हम क्या करते हैं, हम जब DTA DTL निकालते हैं तो हमें दो चीज चाहिए होता है, एक तो कैरिंग अमाउंट चाहिए होता है, एक टैक्स बेस चाहिए होता है। कैरिंग अमाउंट तो हमें ये मिल जाएगा बैलेंस शीट से, जो बैलेंस शीट में आपका इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है, पीपी का कैरिंग अमाउंट है, आपको यही मिल रहा है। ये सारी कैरिंग अमाउंट ही तो ईयर एंड का, ईयर एंड 31 मार्च 2008 का कैरिंग अमाउंट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको बैलेंस शीट में ही मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अब हम अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। तो अब नोट्स पहले वाला जो नोट्स दिया वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का दिया हुआ है, मुझे बताइए पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना होगा, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा। सीधा बैलेंस शीट में जाओ ना, क्यों झिकझिक पालते हो, बैलेंस शीट में जाओ कितना आ रहा है, देखो 4,20,00,000 आ रहा है इसका कैरिंग अमाउंट, 4,20,00,000 इसका कैरिंग अमाउंट आ रहा है, मुझे पहले ही पता चल गया। अब मुझे इसका टैक्स बेस जानना है, टैक्स बेस कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउबल एज पर इनकम टैक्स करंट ईयर का 72,10,000 है, करंट ईयर का 72,10,000 है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अलाउबल एज पर इनकम टैक्स, लेकिन हमने कितना किया पता है, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 59,50,000 किया, लेकिन आपको टैक्स में कितना अलाउ करेगा, 72,10,000 आपको अलाउ करेगा। तो आपको मैं बता दूं यहां पर आईसी ने आपको ये भी बोला कि करंट पीरियड का टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस भी बताओ, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने खर्चा इतना दिखाया हुआ है, मतलब मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका कुछ भी हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने खर्चा दिखाया 59,50,000, बट अब ये नहीं दिखा सकते, आपको इसको काटना पड़ेगा, मतलब अब प्लस कीजिए 59,50,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने दिखाया, ठीक है, पर टैक्सेबल प्रॉफिट में ये नहीं दिखाओगे, इसकी जगह पे 72,10,000 आप दिखाओगे करंट ईयर का। तो यही चीज मैं साथ साथ आपको कराऊंगा। आप देखो करंट टैक्स एक्सपेंस आपको बनाया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है जहां तक मुझे पता है,
ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो एज पर अकाउंट्स है, ये तो एज पर अकाउंट से 59,50,000। मैं एक एक पॉइंट के साथ सारा कराते जाऊंगा, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एज पर अकाउंट्स तो मेरा 59,50,000 है, बट मुझे आपका निकालना है क्या पता है, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है मुझे। तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन जो आपने माइनस किया था ना उसे प्लस करो, और जो टैक्स के हिसाब से अलाउ होगा आप उसे माइनस करो। तो ये देखो जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने पहले माइनस किया था ना इसे हमने प्लस कर दिया 59,50,000, और टैक्स के हिसाब से करंट ईयर का कितना होगा, करंट ईयर का 72,10,000, वो आप देखिए माइनस कर दिया 72,10,000। तो ये मैंने देखो ये वाला हमारा टिक हो गया, ये वाला हमारा टिक हो गया, यहाँ पर हम टैक्सेबल प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, पहला वाला पॉइंट हो गया। अभी मुझे क्या जानना है, मुझे टैक्स बेस जानना है। तो आप देखिए इसका कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट था 5,60,00,000 का, 5,60,00,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था। तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो कैरिंग अमाउंट था वही तो टैक्स बेस था, तो ओरिजिनली आपका स्टार्टिंग में टैक्स बेस इतना था। और इन्होंने ये भी बता दिया कि टिल डेट प्रायर टू फाइनेंशियल 2007-08 इससे पहले आपने ऑलरेडी 1,45,60,000 का आपने क्लेम ले लिया है आपके टैक्स रिटर्न में, टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स में, मतलब आपका 5,60,00,000 आपका था, आपने ऑलरेडी इस साल से पहले साल तक 1,45,60,00,000 का क्लेम ले लिया है, और करंट ईयर में आपने 72,10,000 का क्लेम ले लिया है, तो टैक्स बेस आपका निकल के नहीं आ जाएगा। आप मुझे बताइए टैक्स बेस आपका निकल के नहीं आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कॉस्ट ये रहा, टिल डेट तक आपने पिछले साल तक आपने इतना क्लेम ले लिया था, करंट ईयर में आपने इतना क्लेम ले लिया, तो आप निकालो एज पर इनकम टैक्स आपका कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, 5,60,00,000 माइनस 1,45,60,000 माइनस 72,10,000 342,30,000 342,30,000। तो अब आपका DTA आएगा कि DTL आएगा, आप देखो कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस है, तो आपका आएगा DTL कितना आएगा, 4,20,00,000 माइनस 342,30,000 क्या आ गया इसका कितना, 32% यानी 2,486,400 आपका 2,486,800 आपका DTL आएगा। तो हमने क्या किया, टैक्स बेस भी निकाल दिया, पॉइंट नंबर इलस्ट्रेशन 11 में ये पूछा गया और इलस्ट्रेशन 12 में आपको DTL पूछा गया, वो भी हमने निकाल दिया। तो ये देखो यहाँ पर इक्वेशन ये रहा, कैरिंग अमाउंट आपका प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का ये रहा, ये टेबल आपको एग्जाम में बनाना है ऐसे, टैक्स बेस आपने ये निकाला था 3,42,30,000 सही है, और आपका टेम्पररी डिफरेंस दोनों का डिफरेंस इतना आएगा उसका 32% 2,486,400 आपका DTL आ गया। तो बताइए क्या पॉइंट नंबर वन पूरा क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर वन यहाँ पर भी करा दिया, टैक्स बेस भी निकाल दिया, DTA DTL भी निकाल दिया, और मैंने आपका करंट टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए मैं पूरा एक साथ करा लूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं सब पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या पता सिर्फ आपको करंट टैक्स पूछा जाए, एग्जाम में क्या पता सिर्फ आपको DTA DTL पूछा जाए, पर हमें तो सारे एस्पेक्ट में समझना है ताकि हम करें। और जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालूंगा इसमें सिर्फ करंट ईयर का इंपैक्ट आएगा, करंट ईयर में आपने क्या डाला और क्या डालना चाहिए वो करंट ईयर का इंपैक्ट यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि करंट ईयर की बात कर रहा है, करंट ईयर का टैक्सेबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो करंट ईयर में आपने जितना डेप्रिसिएशन डाला प्लस कर दिया, जितना क्लेम मिलना चाहिए उतना माइनस कर दिया हमने, बस बात खत्म, ये वाला पॉइंट आपको एकदम अच्छे से हो चुका है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट आप देखिए 2004-05 में, अभी नहीं अभी तो 2007-08 चल रहा है, 2004-05 में आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट का खर्चा किया था 35,00,000 रुपीज, दिस कॉस्ट वर रिकॉग्नाइज एज एन एसेट एंड एमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, फॉर टैक्स पर्पस एच लिमिटेड ने पूरा का पूरा डिडक्शन ले लिया है, तो आपका टैक्स बेस तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, आपने उसी वक्त पूरा डिडक्शन ले लिया, टैक्स बेस जीरो होगा। कैरिंग अमाउंट कितना होगा आपका, 35,00,000 के 10 ईयर्स की लाइफ है, 4-05 में आपने एमोर्टाइज किया होगा, 5-06 में किया, 6-07 में किया, 7-08 में किया, अभी 7-08 के एंड है, 4 साल आपने एमोर्टाइज कर दिया है, तो 35,00,000 इंटू 60% आपका बचेगा भी, क्योंकि 40% एमोर्टाइज हो चुका है, तो कितना आएगा आपका कैरिंग अमाउंट, कितना आएगा 21,00,000 आएगा। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है, आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट किया आपका है ना, अच्छा एसेट है, आपने एसेट रिकॉग्नाइज किया, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आपका 21,00,000 है, टैक्स बेस आपका जीरो है, तो आपका टेम्पररी डिफरेंस 21,00,000 आएगा, इसका 32% आप DTL बनाओगे। तो आप देखिए कैरिंग अमाउंट ये रहा 21,00,000, टैक्स बेस जीरो है, टेम्पररी डिफरेंस का 32% आप DTL बना दोगे, बात खत्म, ये समझ में आया। और अब मुझे बताइए करंट ईयर में क्या आएगा, करंट ईयर में आपने तो क्या किया, 35,00,000 का 10% 3,50,000 एमोटाइज किया था कि नहीं किया था, आपने ये माइनस किया था,
डिडक्शन मांगा था आपने, बट सरकार आपको डिडक्शन नहीं देगी करंट ईयर में, वो बोली कि पहले ले चुके आप, अब क्यों आए हो आप वापस मेरे पास, ऑलरेडी पहले से ले रखे हो आपने, हमने 2004-05 में आपको क्लेम दे दिया, अभी नहीं देंगे, वो नहीं देगा। तो आपको प्लस 350,000 कर देना है, आपने जो माइनस किया था ना आप टैक्स एक्सपेंस निकालते समय, प्लस 350,000 कर दोगे। ये देखिए ये मैंने प्लस कर दिया पर करंट पीरियड, ये डिसअलाउ कर देगा आपको, ये बोलेगा आपने ऑलरेडी ले रखा हुआ है, हम नहीं देंगे अब आपको, आपने पहले ले लिया। तो बोलो क्या पहला दो पॉइंट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से हर एस्पेक्ट में क्लियर हुआ, डीटीएल भी निकाला और उधर भी हमने एडबैक कर दिया पूरा का पूरा क्लियर। पॉइंट नंबर थ्री में अब हम आते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वेर एक्वायर्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 80,50,000, दिस इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। आप एफबीटी पे यानी पीएनएल में दिखा दो जो भी डिफरेंस होता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपका टैक्स ऑथोरिटी में कोई अलाउ ही नहीं करता है, तो सरकार के हिसाब से तो उसका टैक्स बेस यही का यही पड़ा रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं होता है, सरकार आपको डेप्रिसिएशन क्लेम भी नहीं देगी जब तक आप बेचोगे नहीं, सरकार की नेचर में 80,50,000 ही होगा। बट आपने क्या किया एफबीटीपीएल के हिसाब से, आपने इसे कितने में दिखा के रखा पता, क्वेश्चन में पता चलेगा आपको, 72,80,000 आपने कैरिंग अमाउंट दिखा के रखा 72,80,000, तो 72,80,000 का आपने कैरिंग अमाउंट दिखा के रखा हुआ है और टैक्स बेस आपका कितना आएगा 80,50,000 का आएगा। तो जो भी डिफरेंस है वो आप डिफरेंस क्या करोगे, डीटी डिटेल बनाओगे। ये देखो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपने कैरिंग अमाउंट दिखा के रखा 72,80,000 और आपका टैक्स बेस तो 80,50,000 का रहेगा, टेम्पररी डिफरेंस आपका आ जाएगा और इस पर आप डीटीएल बना दोगे। ये हमने इसका डीटीएल बना दिया, बस बात खत्म यहाँ पर। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए आपने प्रीसीडिंग ईयर में एक्वायर किया था कॉस्ट में 80,50,000, दिस इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमें यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही कि करंट ईयर में आपने एफबीटीपीएल में किया क्या, अगर करंट ईयर में आपने एफबीटीपीएल में किया तो आपने पीएनएल में चार्ज किया होगा 7,70,000 रुपए, जो भी इन दोनों का बीच का डिफरेंस है वो आपने पीएनएल में चार्ज किया, लेकिन सरकार तो अलाउ नहीं करेगी आपको, एडबैक कराएगा। तो ये मान रहे कि प्रीसीडिंग ईयर में कॉस्ट में लिया, मानेंगे करंट ईयर में आपने चार्ज किया है और उस हिसाब से हम प्लस कर देंगे 7,70,000 का। करंट ईयर में ही आपने क्या किया पता है, पीएनएल में चार्ज किया था, लेकिन सरकार डिडक्शन नहीं देगी, सरकार आपको डिसअलाउ कर रही है अभी, जब तक बेचोगे नहीं आप इसे एडबैक कर दोगे। और डीटी डिटेल तो समझिए यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट है, तो यहाँ पर डीटी ए बनेगा, वो आपको पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं मुझे, उतना आप दिमाग ही आपके पास है ना। ये वाला पॉइंट सबसे खतरनाक है, मैं लास्ट में करूंगा, अच्छे से समझाना मुझे, तो ये वाला पॉइंट रुक के समझाऊंगा, सिर्फ ये वाला पॉइंट एक बार रोकते बाकी सारा कर लेते, ये लास्ट में समझाऊंगा, सबसे अच्छा पॉइंट है ये, इसमें हम आराम से समझेंगे, थोड़ा खतरनाक है ये, इतना भी नहीं है समझ में आ जाएगा पूरा। पॉइंट नंबर फाइव देखिए, एच लिमिटेड ने प्रोविजन बनाए इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस का इन अकॉर्डेंस विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, न्यू प्रोविजन आपने क्रिएट किया 3,78,000 का, लेकिन आपको बता दो सरकार प्रोविजन वगैरह को अहमियत ही नहीं देती है, सरकार सीधा डिसअलाउ करेगी 3,78,000 जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया ना, आप प्लस कर दीजिए, ये देखो आप प्लस कर दीजिए, आप बेटेड प्रोविजन हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात नहीं किया, ये हम बात करेंगे, आप सीधा प्लस कर दीजिए। टोटल प्रोविजन टिल डेट आपका 6,30,000 का बनाया हुआ है, सरकार की नजर में तो प्रोविजन कुछ हो गई, तो आपने प्रोविजन टोटल बना के रखा हुआ, आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है 6,30,000 का। अच्छा इन्वेंट्री में प्रोविजन बनाया क्या, तो इन्वेंट्री का हम उससे माइनस करके दिखाएंगे, इन्वेंट्री आपका कितने का है, इन्वेंट्री आपका कितने का रहेगा, इन्वेंट्री में प्रोविजन बनाया आपने, तो आपने ये 106,40,000 आप कब पहुंचे, 6,30,000 का प्रोविजन बना के पहुंचे, कैरिंग अमाउंट तो आपका ये है, लेकिन टैक्स बेस कितना होगा पता है, 106,40,000 प्लस 6,30,000 होगा आपका, क्योंकि आपने 6,30,000 का प्रोविजन बना के उतना इन्वेंट्री कम किया आपने, तब आप कैरिंग अमाउंट में पहुंचे, तो टैक्स बेस आपका ज्यादा होगा 6,30,000 से, आप देख लीजिए 106,40 है और 6,30 है, यानी 112,70 आपका, तो टैक्स बेस आपका कितना होगा 112,70 होगा, ये देख लीजिए, और हमारा कैरिंग अमाउंट ये है। मैं बाकी बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन एक बार नहीं ले रहा, मैं अदर इन्फॉर्मेशन को एक बार कंसिडर कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैंने कर दिया और इसका जो डिफरेंस आएगा डीटीए डिटेल जो भी बनाना बना लेना, शायद यहाँ पर डीटीए ही बनेगा, डिसअलाउ हो रहा है, डीटीए बनेगा आपका, और मैंने 6,30,000 तो ग्रॉस है अभी तक, इसका करंट ईयर का इम्पैक्ट जो है वो करंट ईयर का कितना था आपका 3,78,000 था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया प्लस है, बताओ समझ में आया, क्योंकि इन्वेंट्री में प्रोविजन बोला है, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हुआ है, तो मैंने इन्वेंट्री को गिरा है, पर सरकार की नजर में पूरा बढ़ा हुआ ही रहेगा, तो सरकार का कैरिंग अमाउंट में सरकार का कितना बढ़ा हुआ रहेगा, 6,30,000 बढ़ा हुआ रहेगा, वो बढ़ा के मैंने दिखा दिया। तो आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी नहीं है, वो इन्वेंट्री का है, यहाँ पर आप बोलोगे कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री लिख देना, तो मैं लिख देता हूँ,
10640000। और टैक्स बेस कितना रहेगा, 106 लाख में 112,70,000 फिर गवर्नमेंट ग्रांट आपका टैक्सेबल नहीं है, फुल गवर्नमेंट ग्रांट आपका बैलेंस शीट में, इसमें कोई टैक्स कंसिक्वेंसेस होगा भी नहीं, तो इसमें कोई डिटेल बनेगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट में यूजुअली कोई टैक्स कंसिक्वेंसेस है नहीं, नॉट टैक्सेबल बोल भी दिया, तो इसका कोई इंपैक्ट कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पॉइंट नंबर सेवन में, इन 2007-08 एच लिमिटेड ने इंक्रीज किया लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट बाय 1,75,000। प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट आपका टैक्सेबल नहीं है, डिडक्टेबल नहीं है अंटिल द कंपनी पे क्लेम्स। क्लेम्स पेड इन 2007-08 अमाउंटेड टू ₹2,70,000 आपने पे किया है, आपने 2007-08 में आपने पेमेंट किया 2,17,000 का, ये आप ध्यान रखना। सबसे पहला मुझे ये बताइए आपका लाइबिलिटी कितना से आपने बढ़ा दिया, 1,75,000 से आपने लाइबिलिटी को बढ़ाया है प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट का, लेकिन आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखते हैं इसका लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट कितना है, 5,60,000 आपका लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट है, तो ये हमारा कैरिंग अमाउंट होगा, 5,60,000 ही हमारा लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट होगा, ये देखो 5,60,000। पर मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट का आप लाइबिलिटी बनाते हो, जब तक कैश पेमेंट नहीं होता तब तक सरकार आपको कुछ भी नहीं देती, तो सरकार का हमेशा जीरो ही रहेगा। प्रोविजन वगैरह कोई भी आप बनाओगे, प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट कोई भी चीज का प्रोविजन बनाओगे, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट आपका क्या रहने वाला, टिल डेट यानी स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपका पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी तो 5,60,000 रहेगा, लेकिन टैक्स बेस आपका जीरो रहेगा, तो जो टेम्पररी डिफरेंस आएगा उसका आप डीटीए बना दोगे, ये हमने डीटीए बना दिया। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर में आपने कितना बनाया, करंट ईयर में तो आपने 1,75,000 बनाया, बाकी पहले का है, तो करंट ईयर में जो हमने 1,75,000 बनाया ये डिसअलाउ होगा आपको, तो आपका बैलेंस शीट में 1,75,000 जो है ना, ये डिसअलाउ कर दिया आपको, 1,75,000 डिसअलाउ कर दिया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, आपने 2,17,000 जो एक्चुअल में पेमेंट किया, ये सरकार आपको भी अलाउ करेगी, सरकार बोलेगी 1,75,000 तो तुझे मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, प्रोविजन से मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन तूने ये पेमेंट किया ना, ये मैं तुझे आज डिडक्शन दूंगा, तो 2,17,000 आपका प्रॉफिट कम होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आपने इतना का पेमेंट किया है और पे करने से आपको क्लेम मिलता है, तो मतलब सरकार बोलेगी इसका तो क्लेम हम देंगे नहीं, ये आप प्लस करो 1,75,000 फटाफट प्लस करो, जल्दी से प्लस करो, और ये हम आपको क्लेम देंगे माइनस 2,75,000 कर दो आप। तो ये देखो क्लेम आपको मिला 2,70,000 माइनस कर दोगे, पहले से क्या होगा 2,70,000 माइनस कर दोगे, मतलब प्लस करेंगे ये वाला क्लेम नहीं मिलेगा और ये जो क्लेम मिलेगा माइनस कर देंगे। लेकिन आपका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के लिए सीधा बैलेंस शीट में तो आप ग्रॉस पूरा देखते हैं, टिल डेट आपने इतने का लाइबिलिटी क्रिएट किया है जो कि कैरिंग अमाउंट आपका है, सरकार की नजर में इसका टैक्स बेस हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि सरकार प्रोविजन वगैरह बनाती नहीं है, वो कैश बेसिस, जब भी कोई भी चीज में कैश बेसिस फॉलो करेगा उसका टैक्स बेस जीरो रहेगा, तो उस हिसाब से पूरा आपका इसका डीटीए बन जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया अच्छे से, बताओ ये समझ में आया हाँ या ना, अभी तक मुझे बता दीजिए। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट में आपका कुछ नहीं होने है, भले टैक्स बेस जीरो जबकि टैक्सेबल नहीं है, तो इसमें कुछ भी होने का नहीं है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसमें भी कुछ होने का नहीं, कुछ डिफरेंस है भी नहीं, तो कुछ होने का भी नहीं आपको। और आपका एक और था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, इसमें भी आपका कुछ होने का नहीं है, आपने जितना में खरीदा उतने टैक्स बेस रहेगा सरकार की नज़र में, इसका भी टैक्स बेस जीरो रहेगा आपका। तो अब आगे हमने जितना पॉइंट सल्टाया ये भी सल्टा दिया, अब ये वाला देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया हेल्थ केयर बेनिफिट फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के लिए हेल्थ केयर बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया, द एक्सपेंसेस आर अलाउबल फॉर टैक्स पर्पस ओनली व्हेन बेनिफिट्स आर पेड, मतलब सरकार की नजर में पता ही चल गया टैक्स बेस जीरो रहेगा। तो आपने कितना बना के रखा हेल्थ केयर लाइबिलिटी, कितना दिखा के रखा आपने हेल्थ केयर की लाइबिलिटी, आपने दिखा के कितनी रखी है, कहाँ गया, ये रहा मेडिकल बेनिफिट्स का लाइबिलिटी। कैरिंग अमाउंट आपका 24,50,000 पर टैक्स बेस क्या रहेगा, मैंने बोला था ना हर प्रोविजन लाइबिलिटी जिसमें सरकार कैश बेसिस फॉलो करती है उसका टैक्स बेस जीरो होता है, तो 24,50,000 आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रहेगा और टैक्स बेस जीरो रहेगा, यानी आप इससे क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटर देन टैक्स बेस, आपका डीटीए बन जाएगा, आपने डीटीए बना दिया, बात खत्म, आपने डीटीए बना दिया इसका, आपने डीटीए बना दिया यहाँ पर। और यहाँ पर करंट ईयर में तो बोला नहीं कुछ भी, कुछ बोला है कि करंट ईयर में आपने कुछ भी बनाया इसके बारे में बोला नहीं है, तो इसमें हम क्या करें, क्वेश्चन में तो पता नहीं चल रहा कब बनाया, रुक जाओ एक बार, 24,50,000 का मेडिकल बेनिफिट फॉर एम्प्लॉई है और क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है,
अच्छा ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा, लिखा है लिखा, ड्यूरिंग द ईयर ही आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो पूरा 24,50,000 ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, तो पूरा 24,50,000 आप एड बैक होगा आपका। अगर यहाँ पर वो लिखा जाता प्रीवियस ईयर, लॉजिक समझो आप, लॉजिक समझिए आप, अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ रहता तो क्या होता, ये तो ड्यूरिंग द ईयर, अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिखा हुआ रहता ना तो आपका इसमें नहीं आता, तो यहाँ पर नहीं आता आपका, ये समझो आप, तब आपका इसमें नहीं आता, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ बोल के हमारा करंट में आया, प्रीवियस ईयर लिखा हुआ रहता तो करंट में नहीं आता, बस ये भी समझा दिया मैंने आपको अच्छे से। फिर देखिये पेनल्टीज टूवर्ड्स वायोलेशन ऑफ लॉ 63,000 का, इसमें तो डीटी डिटेल बनने से रहा, इसमें तो डीटी डिटेल बनेगा नहीं, ये आपका अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस है ना, आपको इसमें पेनल्टी में कोई डिडक्शन फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा आपको, तो 63,000 आपने जो क्लेम मांगा है पूरा ऐड होगा आपका, और इसका कोई डीटी डिटेल नहीं बनने वाला, ठीक है, नो डीटी डिटेल। फिर आपका टैक्स लॉ अलाउ करता है आपको टू डिडक्ट एक्सपेंस फॉर पेट्रोल ओनली अप टू 1,40,000 पर व्हीकल पर ईयर। एक्स लिमिटेड का 4 व्हीकल था और इसने टोटल खर्चा किया 7,21,000, तो 1,40,000 इंटू 4 आपको मिलेगा टोटल डिडक्शन 5,60,000 का, है ना, लेकिन आपने खर्चा किया 7,21,000, तो 7,21,000 आपने खर्चा दिखाया है लेकिन आपको 5,60,000 का ही क्लेम मिलेगा, मतलब 1,61,000 का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, और ये भी अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है, इसका मतलब ही नहीं आज नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिल रहा, फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा, तो 1,61,000 का जो आपका ये है ना 1,61,000, ये अदर देन टेम्पररी डिफरेंस है, पूरा का पूरा एडबैक होगा और कोई डीटीए डिटेल नहीं बनेगा, 1,61,000 पूरा का पूरा एडबैक होगा, कोई डीटीए डिटेल नहीं बनेगा, तो ये वाला पॉइंट भी आ गया, और इसमें कोई डीटीए डिटेल बनने वाला नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर नहीं आने वाला आपका। अब बचता क्या हमारा, अब हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बैलेंस शीट में आपका और कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स में तो कुछ है भी नहीं ऐसे भी, तो और कुछ आएगा भी नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स में कुछ बना भी नहीं होगा आपका। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल्स में बना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का कोई पॉइंट था कि हमारा, अच्छा है ना एक पॉइंट छूटा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट इससे ट्रेड रिसीवेबल्स का आएगा, तो देखो एक पॉइंट बस हमारा ये वाला छूटा हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स का, जो हमने पॉइंट अभी तक पढ़ा नहीं है, बाकी सारे मेरे हाईलाइट हो गए, ये ट्रेड पेबल्स और सेम टू सेम है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो सारे आपके बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो एक पॉइंट ही आपका यहाँ पर बचा हुआ, ये ट्रेड रिसीवेबल्स वाला जो कि हमने पॉइंट छोड़ा हुआ है, और कुछ भी नहीं बचा हुआ, और इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका देखिए ये सारा आ चुका है, ये भी मैंने टिक किया तो आ चुका है, ये भी मेरा टिक किया हुआ मतलब आ चुका है, ये सारा आ चुका, बस इसमें आपका क्या क्या बचा हुआ पता है, एक तो ये बचा हुआ, ये भी आपका उसी पॉइंट से रिलेटेड है, बैड डेट प्रोविजन का 17,50,000, और ये इधर भी आपका बैड डेट प्रोविजन का ये पॉइंट बचा हुआ, तो ये बचा हुआ और कुछ भी नहीं बचा हुआ सब आ गया, बाकी तो टोटल है, और इधर भी आपका एक पॉइंट बचा हुआ है, तो मुझे बस अब आपको एक पॉइंट ये कराना है, ये पॉइंट कराते ही क्वेश्चन हमारा हो गया, बताइए अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बताइए करिए वाला पॉइंट। देखो बेडेड प्रोविजन अमाउंट्स रुपीज 45,50,000, और ये रिलेट करता है दो डेटर का, डेटर ए 28 लाख का है, रिसीवेबल ओरिजिनेट इन 2005 और 2006, और 100% प्रोविजन आपने बना दिया अपने बुक में, डेटर ए 28 लाख का आपने 100% प्रोविजन बना दिया अपने बुक में, डेटर बी 17,50,000 का है, ये आपका रिसीवेबल ओरिजिनेट हुआ था 2006-07 में, और इसका भी 100% प्रोविजन आपने बना दिया, तो आपने तो क्या किया पूरा 45,50,000 आपने क्या किया ना, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने पूरा 45,50,000 माइनस किया है, यानी देखा जाए तो इसका कैरिंग अमाउंट ओरिजिनली कितना था, 219,100,000 था, 219,100,000 प्लस 45,50,000, ये इसका कैरिंग अमाउंट था 219,100,000 प्लस 45,50,000, यानी बिफोर बैड डेट, बैड डेट चार्ज करने से पहले आपका कैरिंग अमाउंट था 264,600,000, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैरिंग अमाउंट ऑफ टीआर आपका था 264,600,000, तो टैक्स बेस भी इतना ही था 264,600,000, लेकिन आपने क्या किया इसमें बैड डेट आपने चार्ज किया 45,50,000, है ना 45,50,000, और इस वजह से आपका कैरिंग अमाउंट 219,100,000 है आपका, लेकिन सरकार कितना डिडक्शन देगी उस हिसाब से सरकार का टैक्स बेस होगा,
तो सरकार कितना डिडक्शन दे रही है आप ये देखिए पहले, कहाँ गया पॉइंट, सरकार कितना डिडक्शन दे रही है, सरकार ने क्या बोला, देखिए टैक्स लो आपको अलाउ करता है डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ प्रोविजन फॉर डेटर्स ओवर ड्यू मोर देन 1 ईयर। अगर आपका डेटर्स ओवर ड्यू हो जाए 1 साल से ज्यादा, 20% आपको डिडक्शन मिलेगा, सरकार डिडक्शन देगी। अगर आपका 2 ईयर से ज्यादा ओवर ड्यू हो जाएगा 30% डिडक्शन सरकार देगी। अगर आपको ओवर ड्यू 3 ईयर से ज्यादा हो जाएगा आपको रिमेनिंग 50% डिडक्शन देगी। मतलब तीन टुकड़ों में दे रही है, 1 ईयर से ओवर ड्यू 20% ले जाओ, 2 ईयर से ओवर ड्यू 20 और 30 मिला के 50 ले जाओ, और 3 ईयर से ज्यादा ओवर ड्यू 20, 30 और 50 100 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से देगी। तो अगर मैं आपको बात करूं, जो आपका 28 लाख का 2005-06 को ओवर ड्यू हुआ था, 2005-06 को ओरिजिनेट हुआ था, मतलब 6-7 में ये 1 ईयर ओवर ड्यू था, 7-8 में 2 ईयर्स ओवर ड्यू हो चुका है, तो टिल डेट तक कितना ओवर ड्यू हो चुका है, ये 2 साल का ओवर ड्यू हो चुका है ये वाला। तो ये 28 लाख का 50%, 20 और 30 मिला के 50% आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब 14 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। 28 लाख का था, 2005-06 में ओरिजिनेट हुआ था, 6-7, 7-8 मिला के 2 साल का, 6-7 का 20%, 6-7 का कितना है बताओ, ये अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है पॉइंट, ध्यान देना एकदम अच्छे से। 6-7 का 28%, 28 लाख का 20% कितना होता है, 5,60,000। ये 6-7 में अलाउ कर रही है, और 7-8 में कितना अलाउ कर रही है, 7-8 में 30% अलाउ कर रही है, 28 लाख का 30%, यानी 8,40,000 आपको 7-8 में अलाउ कर रही है। तो 7-8 में इतना अलाउ कर रही है, आपको 14 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं दूसरा वाला, एक और जो आपका है ना, वो कितने का, 17,50,000 का है, ये आपका 6-7 में ओरिजिनेट हुआ था, तो 7-8 में एक ही साल का ओवरड्यू हुआ, तो सिर्फ 7-8 में 20% आपको मिलेगा। तो 17,50,000 का 20% कितना होता है, 3,50,000 होता है, और ये सिर्फ 7-8 में ही आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 3,50,000 अलाउ किया जाएगा, इतना ही आपका माइनस होगा। तो सरकार की नज़र में टैक्स बेस कितना होगा मुझे बता दीजिए। सरकार आपको दे रही यहां पर 264,60,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था सरकार का, उसमें सरकार बोलेगी पहले वाले में 14 लाख का डिडक्शन दे जाओ, 2 साल से ज्यादा ओवरड्यू है 28 लाख की जगह पे, और दूसरे वाले में सिर्फ 3,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। मैं 247,10,000 आ रहा है, ये टैक्स बेस आ रहा है। तो आप देखिए क्या मैं सही हूँ ये देख लो आप, 247,10,000 सरकार का और हमारा 219,10,000 है, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका जीटीए डिटेल बन जाएगा। अब करंट टैक्स की बात अगर मैं करूँ, तो करंट टैक्स में सबसे पहले तो इन्होंने जो 47,50,000 इन्होंने जो किया है ना, नहीं 47,50,000 नहीं, करंट ईयर में इन्होंने चार्ज कितना किया मुझे बताइए। इन्होंने 28 लाख तो 2005-06 में चार्ज किया, प्रीसीडिंग ईयर, सॉरी 28 लाख तो आपने 100% प्रोविजन बनाया प्रीसीडिंग ईयर, मतलब 2006-07 में बनाया, तो ये आपका उसमें ऐसे भी आया नहीं है। लेकिन आपने 17,50,000 आप देखिए आपने 2007-08 में चार्ज किया है, तो जो 2007-08 में आपने 17,50,000 चार्ज किया है, क्वेश्चन ने बोला है, उसे आप एडबैक कीजिए पहले, ये एडबैक कीजिए, और आपको सरकार डिडक्शन कितना दे रही है, 7-8 में सरकार डिडक्शन कितना दे रही है, एक तो 8,40,000 7-8 में डिडक्शन मिल रहा है रिलेटेड टू जो आपका पहले वाला था बैड डेट 28 लाख का, उसमें 6,7, 7-8 का मैंने ब्रेकअप दिया हुआ है, और एक आपको 3,50,000 आपको दिया गया है, मतलब आपका 840 और 350 मतलब क्या 11,90,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा, वो ये रहा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से ये रिपीट कर सकता हूँ, बताइए समझ में आया नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, अगर आप बोलोगे मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 28 लाख आपने 6-7 में चार्ज किया था, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला प्रीसीडिंग ईयर में, तो इसका बुक्स में तो आपको एडबैक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने 17,50,000 जो है ना, ये आपने 7-8 में चार्ज किया था, तो इसे हम एडबैक कर दे रहे हैं, इसे हमने एडबैक कर दिया, बात खत्म, ये हमने कर दिया यहाँ पर, इतना हमने समझा। अब सरकार आपको डिडक्शन कितना देगी वो माइनस करो, जितना करंट ईयर में चार्ज किया एडबैक कर दीजिए, सरकार आपको डिडक्शन कितना देगी रिपीट करो। पहला काम क्या करना, आप ये देखना कि बुक्स में कब चार्ज हुआ, ये तो बुक्स में पिछले साल चार्ज हुआ करंट टैक्स में नहीं आएगा, लेकिन ये बुक्स में इस साल चार्ज हुआ, अब एडबैक कर दी, अब आप देखिए आपको डिडक्शन कितना मिल रहा है। तो डिडक्शन आपको मिल जो रहा है, सरकार आपको क्या डिडक्शन दे रही है, पहला 28 लाख में सरकार ने आपको पिछले साल डिडक्शन दिया था 20%, और इस साल दे रही है 30%, और अगले साल देगी 50%। तो अभी 2007-08 में तो आपको 30% दे रही है ना 28 लाख का,
क्योंकि 5-6 में ओरिजिनेट हुआ था, 6-7 में 20% दे रही है, 7-8 में 30% दे रही है, 8-9 में 50% देगी। तो 7-8 में डिडक्शन कितना देगी, 28 लाख का 30% डिडक्शन देगी, मतलब 8,40,000 डिडक्शन देगी, ये माइनस होगा आपका। और एक आपका जो 17,50,000 है ये पिछले साल ही ओरिजिनेट हुआ था, तो करंट ईयर में आपको 7-8 में ही आपको सिर्फ 20% इसका मिलेगा, 20% यानी 3,50,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 8,40,000 और 3,50,000 आपको डिडक्शन मिलेगा करंट ईयर, यानी कितना हो गया, ये हो गया 11,90,000। आप माइनस करो, यानी आप प्लस करोगे 17,50,000, ऐड बैक कर देना और ये दोनों आप माइनस कर देना, खत्म कहानी। और अगर टैक्स बेस निकालना चाहो तो टैक्स बेस में आप क्या लोगे पता है, सबसे पहले तो 45,50,000 कैरिंग अमाउंट में जोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कितना आपको टिल्डेड डिडक्शन मिल चुका है, 20 वाला भी मिल चुका है, ये जो 5,60,000 ये भी पिछले साल दे चुका है, ठीक है, ये भी पिछले साल दे चुका है। तो ये तीनों आपको डिडक्शन मिलने का जो मिल चुका वो आप माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 17,50,000 मिल चुका आपको। तो 17,50,000 आपका ग्रॉस में माइनस होगा, जो कि मैंने आपको करा के दिखाया भी था, ये देखो 17,50,000 आपका माइनस होगा जो ओरिजिनल टैक्स बेस है 17,50,000। यानी कितना डिसअलाउ हो रहा वो भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर ओरिजिनल आप लगा के फिर करना। तो बताओ क्या ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो सारा डीटीए डीटीएल को प्लस माइनस करोगे तो डीटीए इतना आ रहा है, डीटीएल इतना आ रहा है, मतलब नेट पे आपका कितना आएगा, नेट पे डीटीएल आएगा। तो नेट पे हमारा डीटीएल आ चुका, हमने नेट पे डीटीएल आ गया, हमने बता दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा करंट टैक्स के लिए आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा सारा प्लस माइनस करके, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है 93,80,000। और टैक्सेबल प्रॉफिट में ही हम क्या करते हैं पता है, करंट टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। तो इसका 30% बनाएंगे कि 32% बनाएंगे, आप मुझे बताइए। ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट है इसका 30% बनेगा भाई, ये करंट ईयर का। तो 93,80,000 का 30% 2,814,000, ये देखिए ये आएगा करंट टैक्स एक्सपेंस टू करंट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। और एक आपका जो है डेफर टैक्स एक्सपेंस टू डेफर टैक्स लायबिलिटी जो आपने निकाला था इधर, ये आपका आ रहा है 32% के हिसाब से 851,200। आ गया 851,200, मैंने रफ में लिख दिया, आई थिंक आपको क्लियर है। करंट टैक्स एक्सपेंस टू करंट टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स एक्सपेंस टू डेफर टैक्स लायबिलिटी, बस बात खत्म। ये तो क्वेश्चन था। अब 11 में कुछ नहीं करना है, 11 में इन्होंने क्या किया पता, वही जो टैक्स बेस हमने सबका निकाला था ना वही लिखा है इन्होंने, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जो हमने ऊपर ही लिख दिया था वही लिखा है, तो उसको नहीं करने से भी चलता है। और थर्ड वाला पार्ट तो मैंने आपको करा ही दिया पूरा का पूरा, तो इसी के साथ मैंने इंडेक्स 12 भी आपको करवा दिया एकदम अच्छे से। तो बताइए क्या परफेक्ट है सब कुछ एकदम अच्छे से। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है, हमने पूरा का पूरा आरटीपी एमटीपी डिस्कशन कर दिया, इसके साथ इंडेक्स 12 वाला भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। और अब वो आरटीपी वाला क्वेश्चन आप अगर आप देखोगे वही सारे पॉइंट दिए हुए, कोई नया नवेला एक भी पॉइंट नहीं है। देखो आप, दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो यहां पर बोला टैक्स बेस निकालो, बोला टैक्स बेस निकालने को बोला, और यहां पर वही सारे पॉइंट्स जो दिए हुए आपके एडिशनल पॉइंट्स में, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हमने पढ़ाया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट पढ़ा था, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, बैड डेट का प्रोविजन पढ़ा था, बस ये पॉइंट दिया हुआ है। फिर इसके आगे इन्वेंट्री वाला पढ़ा था, गवर्नमेंट वाला भी था, प्रोडक्ट वारंटी का भी पॉइंट था, हेल्थ केयर का भी पॉइंट था, ये सारे पॉइंट हमने वहां पर पढ़े। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पॉइंट पढ़े थे, पेनल्टी वगैरह तो इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन करते तो हम कम पढ़ते, वो क्वेश्चन में हमने इससे ज्यादा ही पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर टैक्स निकाला 32% 30% वही है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल है, आप अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पाया प्रैक्टिस कर लीजिए, वो क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से करवा दिया। ये अनिशा जी और कुछ ऐड नहीं हुआ, जो हुआ है मैंने ये करवा दिया एकदम, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, एंड जरूर से समझ में आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करके, ठीक है। चलो जी बाय बाय एवरीवन, ठीक है, पढ़ो अच्छे से मन लगा के।